हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी सोलंकी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द लॉ वाला चैनल, जहां पे इस नीति बैच में यूपी पीसीएस जे प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट से डील किए जा रहे हैं जीके, दैट इज जीके का जो पेपर वन है उसमें न्यूली एडेड 9 माइनर लॉज। और आज का हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है पॉक्सो एक्ट। यूपी पीसीएस जे के स्टूडेंट्स के साथ साथ डिफरेंट स्टेट जुडिशियरीज में अपीयर हो रहे एस्पिरेंट्स लाइक राजस्थान, गुजरात, जहाँ पे ये एक्ट आता है वो इस सेशन को डेफिनेटली देख सकते हैं। अब जब मैं पॉक्सो एक्ट की बात करूंगी तो इस सेशन में हम लोग पॉक्सो एक्ट को अच्छे से डिवाइड करके एलिमेंट्स को तो समझेंगे ही समझेंगे, साथ ही साथ लास्ट में कुछ एमसीक्यूज भी करने वाले हैं, फॉलोड बाय डीपीपी आल्सो। अब जब पॉक्सो एक्ट हम पढ़ें तो याद रखें स्टूडेंट्स कि इसमें हर एक एलिमेंट ऐसा है जो किसी भी स्टेट जुडिशरी में आ सकता है जहां पे पॉक्सो सब्जेक्ट है। ऐसा क्यों कह रही हूं मैं, क्योंकि देखो हर स्टेट जुडिशरी का ना अलग तरीका होता है क्वेश्चंस को रखने का। फॉर एग्जांपल अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली पे आपका पूरा एक सिचुएशन टाइप आपको क्वेश्चन दिया जाता है प्रिलिमिनरी में, एंड देन यू आर आस्क्ड टू चूज एनी ऑफ द ऑप्शंस। बट व्हेन यू टॉक अबाउट अदर स्टेट्स लाइक गुजरात, राजस्थान, यहाँ पे पेपर थोड़ा मॉडरेट होता है। आई शुड नॉट हैव सेड गुजरात बिकॉज गुजरात में इस बार बहुत ही ज्यादा ईजी पेपर आया था जिसको बच्चों ने थोड़ा लड्डू पेपर या लड्डू सवाल टाइप के नाम दिए थे। लेकिन भले ही आपका डिफिकल्टी लेवल कहीं मॉडरेट हो, कहीं इजी हो, कहीं डिफिकल्ट हो, लेकिन ये जब माइनर लॉज की बात करते हैं ना, इनमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सेम रहते हैं। सिंस दे आर वेरी माइनर और दे कंटेन वेरी लेस नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, सॉरी लेस नंबर ऑफ सेक्शंस, सो द स्कोप ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन बिकम्स वेरी नैरो इन कंपैरिजन टू योर मेजर लॉज, जहाँ पे स्कोप बहुत वाइड है। मैंने हमेशा बोला है माइनर लॉज आपके लिए बहुत ज्यादा स्कोरिंग रहेगा, तो अच्छे से फोकस करो इन माइनर लॉज पे। और अगर यहाँ पे पढ़ रहे हो आपके पास बैरक नहीं है, नो वरीज, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2012 के साथ साथ मैं आपको अमेंडमेंट भी बताने वाली हूँ। कुछ ऐसे सेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास सेक्शन नंबर 5 है, सेक्शन नंबर 9 है, इतना लंबा चौड़ा सेक्शन, इतने सारे एलिमेंट्स कैसे याद करें इंसान। मैम डू नॉट वरी, कुछ स्पेशल टेक्निक्स लेके आए हैं जिससे मैंने इसको चार्ट फॉर्मेट में बनाया है। और मेरे चार्ट हमेशा एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव रहते हैं, हैंडमेड रहते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स को ये समझ आए कि दीज टाइप्स ऑफ चार्ट हैज टू बी प्रिपेयर्ड बाय ईच एंड एवरी स्टूडेंट। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से या कहीं से भी आपको भले कितना ही टाइप्ड मटेरियल क्यों ना मिल जाए बच्चों, जब तक आप खुद से अपने हैंडमेड नोट्स नहीं बनाएंगे आपको याद नहीं होगा, और उस सब्जेक्ट को फील करने का जो एक पर्सपेक्टिव है वो शायद थोड़ा चेंज हो जाएगा, जो मुझे पिछले कुछ सालों में रियलाइज हुआ है। मेरे पास भी प्रिंटेड नोट्स थे, मेरे पास अपने हैंडमेड नोट्स भी थे, तो आज वो रजिस्टर के जो पेपर्स हैं उनके कॉर्नर्स हैं, उनकी साइज हैं शायद फटने लगी हैं, बट स्टिल आई प्रेफर दोज नोटबुक्स। आपके प्रिंटेड बुक्स में बहुत सारा मटेरियल है लेकिन वो हैंडमेड नोट्स ही मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ। कुछ भी नई चीज़ मिलती तो शायद मैं उसी में जितना हो सकता है फिट करने की कोशिश करूंगी। तो हमेशा मेक श्योर करें कि माइनर लॉस के तो फटाफट एक एक दिन में नोट्स बन सकते हैं। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट यूपी पीसीएस जे, सिंस आपके पास टाइम कम है सो डू नॉट वरी, ये पीडीएफ आपको सेशन ओवर होने के बाद इमीडिएट बेसिस पे मिल जाएगी, जिसके लिए आप लॉ वाला टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये पीडीएफ हमेशा अपने पास रख सकते हैं, अपने फोन में देख सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट कि इस पीडीएफ का शायद आप प्रिंट आउट ना निकलवाएं, बिकॉज सिंस माय जनरली मेरी पीडीएफ जो हैं ब्लैक बैकग्राउंड के साथ होती हैं, सो इट विल बी वेरी यू नो, आपका पेपर बहुत ज्यादा इंक होल्ड करेगा। सो बेटर है कि इन नोट्स से आप अपने नोट्स भी बनाएं, आप अपनी स्ट्रैटेजी अपनाइए। देखो सबका अपना अपना पढ़ने का तरीका है, तो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाया है, जो आपको मर्जी लगे वो कीजिए, बस अच्छे से पढ़िए। और जहां आपको लग रहा है कि कहीं पर भी दिक्कत हो रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, यू आर फीलिंग लॉस्ट, आपको स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही है, कैसे शुरू करें, बस पता है कि करना है लेकिन करना कैसे है, मतलब शुरू कैसे करना है, बस एग्जीक्यूशन में ही तो अटक जाते हैं, लॉ वाला फैमिली इज देयर विद यू, वी ऑल एडुकेटर्स आर देयर विद यू, जस्ट पुट वन कमेंट और वन फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल एड्रेस इट। ओके चलो अब पॉक्सो एक्ट की बात करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, पॉक्सो एक्ट, ये एक्ट है 2012 का, और हमें पता है कि 2012 हमारे इंडिया में, दिसंबर 2012 इंडिया में एक ऐसा केस हुआ था, हालांकि केसेस तो हर दिन होते हैं जिसमें से रिपोर्ट बहुत कम होते हैं, जिसमें से भी बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जो कि मीडिया में आ पाते हैं या हमारे सामने आ पाते हैं, और उसमें से भी बहुत ऐसे कम केसेस होते हैं जो कि नेशनल लेवल पे हर इंडियन का या हर पर्सन का अटेंशन गैदर करे और अपने आप में उस डिसीजन को ऐतिहासिक बनाता है या नहीं बनाता है, वो कंप्लीटली देखो कोर्ट्स का डिसीजन रहता है।
बट हाँ, ऐसे केसेस जब सुनने को मिलते तो डेफिनेटली किसी की भी रूह कांप जाएगी। जैसे हमने 2012 में देखा था, दिसंबर में, दैट इज निर्भया रेप केस। उस केस के बाद जहां आईपीसी में कुछ मेजर अमेंडमेंट्स हुए हैं, हमें पॉक्सो में भी कुछ अमेंडमेंट्स देखने को मिले हैं। सी स्टूडेंट्स, पॉक्सो एक्ट एक स्पेशल एक्ट है जो कि एक स्पेशल कॉज के साथ आया है, जो कि एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑफेंस को कर्ब करने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बना है। बट इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, फिर भी हम देख रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे इंडिया में केसेस हुए, चाहे वो कथुआ रेप केस हो, उनाव रेप केस हो, हाथरस रेप केस हो, जहां पे बहुत मासूम बच्चे जिसको सिर्फ अपनी जिंदगी में खेल कूद की दुनिया बहुत प्यारी लग रही है, एंड थिंग्स गो लाइक बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, की कोई भी नहीं सोच सकता कि ऐसा हो सकता है। तो उस केस में आपके सामने एक सवाल जरूर उठता होगा कि लाइक ये स्पेशल एक्ट बनने के बाद भी देयर इज नो सॉल्यूशन। सी स्टूडेंट्स, द सिंपल रीजन इज दैट कोई भी चीज अगर कभी आती है तो उसका इफेक्ट देखने में वक्त लगता है। बट यस, वी ऑल आर राइट इन सेइंग दैट इफेक्ट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ एनीबडीज लाइफ, एनीबडीज रिस्पेक्ट, डिग्निटी। एवरीबडी हैज इक्वल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो किसी को भी राइट तो नहीं है छीनने का। सो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमारी जैसी नेक्स्ट जनरेशन आए, जजेस बने और चीजों को बहुत ज्यादा इफेक्टिवली और इमीडिएट इफेक्ट से इंप्लीमेंट करें, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, लॉ कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। वी बीइंग लीगल स्टूडेंट्स आल्सो, लॉ स्टूडेंट्स आल्सो, वी नो कि कितनी चीजें एक्चुअली वर्क करती हैं और एक्चुअली वर्क नहीं करती है ना। कोर्ट में भी कई बार आपको इलीगल तरीके अपनाने पड़ते हैं, पीछे के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, तब जाके आपका काम भी होता है। सो एनीवेज, वी होप दैट बहुत जल्दी हमारे इंडिया में बदलाव आएंगे, न्यू लॉज आएंगे और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव तरीके से उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा। उसके लिए जरूरी है अच्छे सूझबूझ व्यक्ति वाले जजेस। नो डाउट अभी भी हमारे पास वो जजेस काफी हैं, बीट योर रिस्पेक्टेड जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, बट इम्प्लीमेंटेशन में अभी वक्त लगेगा। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से जजेस बनो, अपने सपने पूरे कीजिए और शुरू करेंगे अब हमारा पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट शुरू करने से पहले, जैसे मैंने हमेशा बोला है कि कोई भी एक्ट पढ़ोगे, स्पेसिफिकली माइनर लॉ, तो सबसे पहले उसका डेट ऑफ प्रेसिडेंस एसेंट, उसका इफेक्टिवनेस कब देखने को मिला है, एज वेल एज उसके नंबर ऑफ सेक्शंस एंड चैप्टर्स, वो बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अमेंडमेंट डेट यहाँ पे याद रखना बहुत जरूरी है। अगर मैं 2012 पॉक्सो एक्ट की बात करूँ बच्चों, तो ये आपका प्रेसिडेंस एसेंट इसको रिसीव हुई थी, कब रिसीव हुई थी बच्चों, ये रिसीव हुई थी हमें 19 जून 2012। एंड अगर हम इसके एनफोर्समेंट की डेट की बात करें तो इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 14th of November 2012। 14th of November क्या होता है, इट इज चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस होता है, तो उस दिन हमारा ये एक्ट एनफोर्समेंट में आ गया था। अमेंडमेंट की अगर बात की जाए तो अमेंडमेंट हुआ था 16th August 2019। 2019 को ये अमेंडमेंट इफेक्ट में आ गया था। कहाँ कहाँ अमेंडमेंट है वो मैं आपको इन स्लाइड्स में बता दूंगी। टोटल हमारे पास 9 चैप्टर्स हैं एंड 46 सेक्शंस हैं। जब आप कोई एक्ट देखते हो तो उसमें कुछ चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश करो, या तो आप प्रोसीजर फाइंड आउट करने की कोशिश करो, या फिर आप ऐसे कुछ की वर्ड्स फाइंड आउट करने की कोशिश करो जो हेल्प करेगा आपको पूरे एक्ट को कनेक्ट करने के लिए। क्योंकि हमने हमेशा देखा है, चाहे मेजर लॉ हो जाए या माइनर लॉज हो जाए, ये जनरली बहुत ज्यादा फैले हुए एक्ट होते हैं ना। कोई चीज कहीं पड़ी है, कोई चीज कहीं पड़ी है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम सिमिलर दिखने वाली चीजें या सिमिलर कनेक्शन रखने वाली चीजों को क्या करें, एक साथ लाके क्लब करके रखें, ताकि हमारे लिए भी इजी हो जाए समझने को और एक्चुअली हम उस एक्ट या उस सेक्शन के कनेक्शन का आई थिंक कि उसके पीछे का रीजन समझ पाए कि क्यों वो कनेक्ट है या कैसे हमें इसको एक्चुअली पढ़ना है। तो आई होप जैसे जैसे आप मेरे साथ माइनर लॉ पढ़ते जाएंगे, आपको थोड़ा समझ आने लग जाएगा हाउ टू डिवाइड अ एक्ट। फिर आप कोई भी एक्ट डिवाइड कर लेंगे और उसके पीछे का इंटेंशन समझ जाएंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉक्सो एक्ट। क्यों पॉक्सो एक्ट ऑफ जो है आपका एनफोर्समेंट में आया है, हम ये ऑब्जेक्टिव क्यों पढ़ रहे हैं, ये एक तरीके के सेलियंट फीचर्स हैं। व्हाट आर दीस, ये एक तरीके के सेलियंट फीचर्स है ना बच्चों, एंड ये आपके किस में आ रहा है, जीके पोर्शन में आ रहा है, पेपर वन में आ रहा है। क्या बोल दिया उन्होंने कि भैया स्पेशल फीचर्स हमें चाहिए, आप इन सब्जेक्ट्स के स्पेशल फीचर्स पर भी अच्छे से फोकस रखें। तो इस एक्ट का सबसे पहला स्पेशल फीचर है कि ये यहाँ पर चिल्ड्रन को बचाना चाहते हैं, किससे, सेक्सुअल असॉल्ट से या सेक्सुअल हैरेसमेंट से, एज वेल एज पोर्नोग्राफी। यहाँ पे पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए अगर बच्चे को यूज किया जाता है तो हमारे पास अलग से सेक्शन है, सेक्शन नंबर 13 to 15 हमें देखने को मिलेगा, जिसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। स्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स, नाउ वी नो
कि पॉक्सो न्यायालय है अलग से, और ये स्पेशल कोर्ट्स जो हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं बता दूं इन स्पेशल कोर्ट्स को किसका दर्जा दिया गया, कोर्ट ऑफ सेशन के लेवल के ये कोर्ट्स होते हैं। ओके, थर्ड इज प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चे के बाल के विकास के लिए, एंड राइट टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, कि अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा कोई एक्ट हुआ है तो उसकी प्राइवेसी को हम प्रोटेक्ट करें, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करें। और ये सिर्फ पॉक्सो में ही नहीं, हम देखते हैं कि हमें सीआरपीसी में भी देखने को मिलेगा, हम देखते हैं कि इसमें आईपीसी में भी देखने को मिलेगा कि इफ यू रिवील द आइडेंटिटी ऑफ एनी रेप विक्टिम यू विल बी पीनलाइज। फिफ्थ पॉइंट इट सेज इट इज इम्पॉर्टेंट इंपॉर्टेंस टू इंटरेस्ट एंड वेलबींग ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के कल्याण हेतु ये अधिनियम आपका महत्वपूर्ण रहता है। इंश्योर हेल्दी फिजिकल इमोशनल इंटेलेक्चुअल सोशल डेवलपमेंट, बालक का एक चारों तरफ से डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए, नॉट जस्ट आप कह सकते हो कि एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट शारीरिक रूप से, आपके मनोविज्ञान रूप से हो सकता है, इंटेलेक्चुअल रूप से हो सकता है। एंड लास्ट पॉइंट इज एड्रेस हीनियस ऑफेंसेस। अब ये हीनियस वर्ड आपको यहाँ तो दिखेगा नहीं, किधर दिखेगा बच्चों, जेजे एक्ट में, जिसने जेजे एक्ट पढ़ा है, हीनियस ऑफेंस, सीरियस ऑफेंस, पेटी ऑफेंस, ये वर्ड आपको यहाँ नहीं दिखेगा, बट आगे जब हम टाइप्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस पढ़ेंगे ना, हम ये अनुमान लगा लेंगे कि कौन सा वाला ऑफेंस ज्यादा हीनियस है। ठीक है, ज्यादा हीनियस है। शुरू करेंगे अब हमारी रेंज को समझेंगे। 9 चैप्टर्स है हमारे पास, और 9 चैप्टर्स में एक्चुअली हमको क्या चीजें मिलेगी, या कोई भी एक्ट पढ़ रहे हो तो उसकी रेंज इंपॉर्टेंट इसलिए रह जाती है क्योंकि वहां आपको रेंज देख के समझ आ जाता है कि इसमें मुझे पढ़ना क्या क्या है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि पॉक्सो में आपको मिलेगा क्या। प्रिलिमिनरी को हटाते हैं, लेकिन प्रिलिमिनरी को इसलिए नहीं हटा सकते क्योंकि हमारे पास सेक्शन नंबर 2 है विच मेंशंस अबाउट डेफिनेशंस। यहाँ की डेफिनेशन से सवाल आए हैं, अमेंडमेंट्स हुए हैं यहाँ पे, उसको फोकस करेंगे, उस पर फोकस करेंगे हम। फिर रहेगा हमारे लिए चैप्टर नंबर 2 अति महत्वपूर्ण। आपका अगर मैं कहूँ पूरा एक्ट ही इन ऑफेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके कुछ 10 सेक्शंस हैं, 10 सेक्शंस हैं जो कि आपको इस पूरे एक्ट के अंदर होने वाले ऑफेंसेस के बारे में बता रहा है, बस इसके बाहर और कोई ऑफेंस नहीं है। हालांकि हालांकि जब हम सेक्शन नंबर 20 से 23 पढ़ेंगे वहां पर भी आपको कुछ ऑफेंसेस मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ ऑफेंस खत्म हो रहा है, यहाँ पर भी है, लेकिन बच्चों यहाँ पे सेक्सुअल ऑफेंसेस नहीं है, यहाँ पर भी पनिशमेंट देखने को मिलेगी हमें 6 मंथ्स, लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल ऑफेंसेस नहीं है। यहाँ पे आप रिपोर्ट नहीं दे रहे हो, या जिस पर्सन को आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा है तो पनिशमेंट है, या फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया तो पनिशमेंट है, मीडिया के ऊपर ऑब्लिगेशन था आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं किया तो पनिशमेंट है, किधर 20 से लेके 23 में। ओके, नेक्स्ट 13 टू 15 में यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस, वर्ड पीपी लिखा हुआ देखिए, मतलब मैम हैज रिटन पोर्नोग्राफिक पर्पस, अगर बच्चे का किसी अश्लील प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो उसके विरुद्ध भी वो भी आपके किस में आएगा, एक अपराध की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट इज अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट, दुष्प्रेरण और क्या है यहाँ पे, अटेम्प्ट, प्रयास करना। ओके, फिर है प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केस, अगर किसी के साथ ऐसा कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो फिर उसका रिपोर्ट कहाँ करना है, कैसे करना है, कौन कर सकता है, किसको कर सकता है, ये सारे क्वेश्चंस के जवाब हमें यहां मिलेंगे। ओके, 24 से 27 रेंज धीरे धीरे याद करते जाना, मैंने बोला 1 से 2 प्रिलिमिनरी, 3 से लेके 12 हमारे पास सेक्सुअल ऑफेंसेस, 13 से लेके 15 हमारे पास पोर्नोग्राफिक पर्पस की चीजें दे रखी है, फिर हमारे पास 16 से लेके 19 अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट दे रखा है, 20 से लेके 23 तक केस को कैसे रिपोर्ट करना है। चलेंगे सेक्शन नंबर 24 से 27। अब ये 4 सेक्शन का जोड़ा क्या कहता है, ये भाई कहता है कि स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड करेंगे मैडम, हाउ विल यू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट, जैसे हम सीआरपीसी में पढ़ के आते हैं सेक्शन 161, 161, 164, वहां पे भी स्टेटमेंट्स का रिकॉर्डिंग होता है, यहां पर भी स्टेटमेंट्स का रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो उस केस में आपको क्या चीजों का ध्यान रखना है। सिंपली तो है मैम स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना, लेकिन उस वक्त कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आप पर्सन का, आप विक्टिम का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हो, आप उसका अक्यूज्ड के सामने नहीं कर सकते, आप उसको ऐसे इनडिसेंट क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, उसके पेरेंट्स के प्रेजेंस में होना जरूरी है, तो वो सारी चीजें हम यहां पढ़ेंगे। रिपोर्टिंग ऑफ केस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट, दोनों अलग चीज। ओके, 28 से 32 चैप्टर नंबर 7 बोलता है स्पेशल कोर्ट्स, स्पेशल कोर्ट के बारे में बता रहा है, विशेष न्यायालय, और इनकी शक्तियों के बारे में भी बताएगा, इनकी शक्तियों के बारे में 33 से लेके 38 में, दैट इज पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट एंड प्रोसीजर टू रिकॉर्ड एविडेंस। दो चीजें रिकॉर्ड हो रही है, ध्यान रखेंगे सारे स्टूडेंट्स इस एक्ट में, सीआरपीसी में भी हम सेम पढ़ते हैं, पहले रिकॉर्ड होगा स्टेटमेंट, फिर रिकॉर्ड होगा एविडेंस,
तो एविडेंस रिकॉर्डिंग के वक्त क्या प्रोसीजर होगी एंड स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग के वक्त क्या प्रोसीजर होगी वो आपके दे रखा है सेक्शन नंबर 27 से लेके 28 में। एविडेंस रिकॉर्डिंग कहाँ है? 33 से 38। एंड फाइनली आता है मिसलेनियस, जहां से सवाल आ चुके हैं। ये मिसलेनियस का मैंने दो स्लाइड्स में चार्ट बनाया जो कि इजी रहेगा आपको याद करना। नाउ लेट्स बिगिन विद आवर डेफिनेशन। मैम सेक्शन नंबर 1 कूठे आया है? सेक्शन नंबर 1 है आपका प्रिलिमिनरी का पार्ट, और जिसमें बताया गया है कि अगर आपका नॉट अगर बट हर एक्ट में आपको फर्स्ट सेक्शन शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट के बारे में ही बताया है, और उसमें जनरली ये बोल दिया गया इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एंड अब इट ऑल्सो अप्लाइज टू जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 विच केम इन टू इफेक्ट ऑन 31st of October 2019। बराबर, ये चार डेफिनेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसमें सबसे पहले 2D कहता है चाइल्ड कौन है, बालक कौन है। इस एक्ट के पर्पस से इन्होंने बोला एनी पर्सन अबव 18 इयर्स। वर्ड फोकस यहाँ पे 18 इयर्स नहीं करना है, यहाँ पे एनी पर्सन करना है। व्हाई व्हाई एनी पर्सन? बिकॉज दिस इंक्लूड्स बोथ मेल एंड फीमेल, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों को इंक्लूड करता है। तो क्या मैं कह सकती हूं कि हमारा पॉक्सो एक्ट विक्टिम के पर्सपेक्टिव से जेंडर न्यूट्रल है? जेंडर न्यूट्रल है। क्यों जेंडर न्यूट्रल है बच्चों? क्योंकि उन्होंने एनी पर्सन बोल दिया ना। तो पॉक्सो का ऑफेंस एक छोटे बच्ची के साथ भी हो सकता है, एक छोटे बच्चे के साथ भी हो सकता है। इट इज नॉट ऑलवेज कि ऐसे सेक्सुअल ऑफेंसेस सिर्फ एक छोटी बच्ची लड़की के साथ हो सकते हैं, छोटे लड़के के साथ भी हो सकता है। कैसे होगा? आई विल लेट यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट द सेक्सुअल ऑफेंसेस। बराबर, नेक्स्ट आपके पास जो डेफिनेशन आती है जो 2019 के अमेंडमेंट से ऐड की गई है, दैट इज चाइल्ड पोर्नोग्राफी। क्या है? बालक को अगर आप अश्लील प्रयोजन के लिए यूज कर रहे हैं तो क्या चीजें हैं उसमें? उन्होंने बोला अगर आप विजुअली डिपिक्ट करते हो, विजुअल डिपिक्शन ऑफ व्हाट? सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट। बच्चे को इन्वॉल्व कर रखा है और उसका सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट आप डिपिक्ट कर रहे हो कहीं पे, तो दैट इज योर चाइल्ड पोर्नोग्राफी। अगर पोर्नोग्राफी देखेंगे तो उसमें क्या है कि आप एक बच्चे को उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स दिखा रहे हो या वो कोई सेक्सुअल एक्ट में इंडल्ज है। नॉट नेसेसरी कि वॉलंटरी, आप खुद उसको इंडल्ज करवा के फिर ऐसा वीडियो शूट कर रहे हैं, उसका एक रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, उसका एक डिपिक्शन हो रहा है, इट विल अमाउंट टू चाइल्ड पोर्नोग्राफी। एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों? फोटोज एंड वीडियोज। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है दैट इज 2E, इट सेज डोमेस्टिक रिलेशनशिप। क्या डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या है? घरेलू नातेदारी कहें तो वो क्या होती है? जो कि वही है जो 2F में दे रखी है, डोमेस्टिक वॉयलेंस एक्ट, जहां पे जरूरी है कि एक पर्सन ने, जो अगर हम डीवी एक्ट देखें वहां पे रिस्पोंडेंट ने किसके साथ, रिस्पोंडेंट ने विक्टिम के साथ रहना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर शेयर्ड हाउस होल्ड में। अगर आप एक पर्टिकुलर शेयर हाउस होल्ड में रहते हो रिस्पोंडेंट के साथ, इट विल बी सेड कि आप डोमेस्टिक रिलेशनशिप पे हो। तो यहां पर भी अगर विक्टिम, दैट इज जिसके साथ पॉक्सो एक्ट के अंदर कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, वो अगर ऑफेंडर के साथ शेयर हाउस होल्ड में रहता है, साझी गृहस्थी में रहता है, हम बोलेंगे कि भैया आप डोमेस्टिक रिलेशनशिप में हो। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू 2K की साझी गृहस्थी क्या होती है, व्हाट इज शेयर्ड हाउस होल्ड। ये सेम वही है जो आपके 2S ऑफ DV एक्ट में दे रखा है, दैट इज डोमेस्टिक वॉयलेंस एक्ट। राइट, डोमेस्टिक वॉयलेंस एक्ट हम करने वाले हैं, इसी चैनल पे करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे। इट सेज वेयर पर्सन चार्ज विद ऑफेंस, दैट इज ऑफेंडर, लिव्स विद द चाइल्ड इन डोमेस्टिक रिलेशनशिप। जो ऑफेंडर हमारे उस बालक के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप, घरेलू नातेदारी में रहता है, हम बोलेंगे कि भैया आप शेयर्ड हाउस होल्ड में हो। तो ये डेफिनेशंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत सारी डेफिनेशंस है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हम सेक्सुअल ऑफेंसेस को कैसे याद रखें। पांच तरीके के आपको यहाँ पे सेक्सुअल ऑफेंस बताए हैं। आपके नोट्स में ऐसे चार्ट्स बने होने चाहिए क्योंकि ये इजी करेगा आपको सेक्शन नंबर याद रखने को। बाकी इसके एलिमेंट्स को हम पढ़ेंगे, आगे डिस्कशन करेंगे, तब इजीली आपको याद रहने वाला है। ओके, सो नाउ फर्स्ट इज पेनिट्रेटिव सेक्सुअल अब्यूज। अच्छे से समझना, आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी एलिमेंट, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा पेनिट्रेशन में क्या हो रहा है, एग्रीवेटेड पेनिट्रेशन में क्या हो रहा है, मात्र असॉल्ट में क्या हो रहा है, एग्रीवेटेड असॉल्ट में क्या हो रहा है, या हैरेसमेंट में क्या हो रहा है। क्लियर है ये चीज? हमारे पास दो दो सेक्शंस का जोड़ा है, 3 और 4, 5 और 6, 7 और 8, 9 और 10 और 11 और 12। अब इन सेक्शंस में आपको पांच तरीके के ऑफेंसेस बता रखे हैं, जिसमें सबसे पहला है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट।
अब मैं आपको सही भाषा में बोलू ना, तो हमारे पास में ऑफेंस तीन टाइप के ही है। मैं आपको सही बता रही हूँ, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ही है, ओके। दूसरा हमारे पास सेक्सुअल असॉल्ट ही है, और तीसरा हमारे पास सेक्सुअल हैरेसमेंट ही है। तीन टाइप के ही मेजर हमारे पास ऑफेंसेस हैं। ऐसे कैसे मैम, फिर ये वाला किधर, क्या एग्रीवेटेड और ये वाला एग्रीवेटेड? बच्चों जो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है ना, उसका ही एग्रीवेटेड फॉर्म, उसका ही अनदर लेवल या थोड़ा टाइप में फर्क करने के बाद वो क्या हो जाता है, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है यही। लेकिन इसका कुछ एग्रीवेटेड फॉर्म जब हो जाता है ना, कुछ इसमें अगर हिंदी वर्ड देंगे तो गुरुतर, थोड़ा आप कह सकते हो उसका लेवल या उसका जो टाइप है वो थोड़ा हीनियस है, थोड़ा घिनौना है, थोड़ा क्यों ज्यादा घिनौना है ना। अब जब बात हम करते हैं कि मैम कुछ ऑफेंस है, तो हर ऑफेंस घिनौना ही होता है, थोड़ा कम कुछ नहीं होता, बराबर। तो यही पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस जब घिनौना हो जाता है, उसको कहते हैं एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, अब्यूज, नॉट असॉल्ट, अब्यूज। दूसरा है सेक्सुअल असॉल्ट, ये ना सेक्शन 7 और 8 में। अब यही सेक्सुअल असॉल्ट जब ज्यादा घिनौना हो जाता है, तो ये हो जाता है एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, ये रहा 9 और 10 में। एंड 11, 12 में हमको दे रखा है सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है। क्लियर है ये चीज? सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल अब्यूज को डिफाइन किया है सेक्शन 3 में, पनिशमेंट 4 में। एग्रीवेटेड PSA को कहाँ डिफाइन किया है, 5 में, पनिशमेंट 6 में। सेक्सुअल असॉल्ट को कहाँ डिफाइन किया है, 7 में, डेफिनेशन 8 में। एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट को कहाँ डिफाइन किया है, 9 में, पनिशमेंट 10 में। एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफाइन किया है सेक्शन 11 में, और पनिशमेंट है इसकी 12 में। इसके बाद हम एक एक सेक्शन को पढ़ेंगे और उसके एलिमेंट समझेंगे। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है। अब मेरी एक बात सुनो, जब हम सबसे पहला वर्ड देख रहे हैं पेनिट्रेटिव, मींस पेनिट्रेशन, मतलब कोई चीज इंसर्ट की जा रही है। क्या हो रहा है बच्चों? कोई चीज इंसर्ट की जा रही है, देयर इज नो मियरली टचिंग। अगर कोई चीज किसी जगह में इंसर्ट करते हैं, तभी तो पेनिट्रेशन होता है। अब इंसर्शन के लिए क्या जरूरी, थोड़ा ना माइंड को खोल के देखो, थोड़ा लॉजिक लगा के अगर हम एक्ट को समझने की कोशिश करेंगे, इजी रहेगा। ओके, नो ऑफेंस इंटेंडेड, दिस इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिस्क्लेमर दे रही हूं मैं, ओके। दिस इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनिंग यू ऑल पीपल। नाउ एक चीज समझो, इफ यू नीड टू पेनिट्रेट समथिंग है ना, देयर शुड बी अ वे, एक वे होना चाहिए। और ह्यूमन बॉडी में हमें कहाँ कहाँ वो ऐसे वेज मिल सकते हैं, ये आप खुद सोच सकते हो। बस वहीं पर अगर ऐसा कुछ पेनिट्रेशन हुआ है, और किस चीज से पेनिट्रेशन हुआ है हम सेक्शन नंबर 3 में पढ़ेंगे, दैट विल अमाउंट टू योर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट। सेक्शन नंबर 3 ये कहता है, ही वर्ड समझ रहे हो, ही। सेक्शन नंबर 3 सिर्फ और सिर्फ मेल पर्सन के लिए बोला गया है। व्हाई? बिकॉज इट सेज इफ ही पेनिट्रेट्स पेनिस। नाउ दिस वर्ड पेनिस इट सेल्फ रिफ्लेक्ट्स कि मैम ये ऑफेंस सिर्फ और सिर्फ एक मैन द्वारा ही किया जाएगा ना। वी ऑल नो ह्यूमन ऑर्गन्स है, सो दिस ऑर्गन इज हेल्ड, और दिस बॉडी पार्ट इज हेल्ड ओनली एंड ओनली बाय मैन। तो फिर सेक्शन नंबर 3 का जो ऑफेंस है, या सेक्शन नंबर 3 में जो आपका ऑफेंडर होगा, ही विल ऑलवेज बी अ मैन। ही इज पेनिट्रेटिंग पेनिस वेयर, 4 places। ये 4 जगह अच्छे से दिमाग खोल के, कान खोल के अच्छे से समझना बच्चों, क्योंकि यहां से सवाल आते हैं। आपको ये 4 places का नाम पूछा जा सकता है, और ये 4 places के ये जो नाम है ना, ये आगे भी आपको दिखेंगे, लेकिन सेम नहीं है। मैं वहां ये 4 places के जो नेम है वहां से आपको डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगी, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। ओके, नाउ वेयर इज पेनिस बीइंग पेनिट्रेटेड, आइदर इनटू वजाइना, माउथ, एनस और यूरेथ्रा, बराबर है। दीज आर द 4 places ऑफ चाइल्ड। नाउ दिस चाइल्ड कैन बी आइदर मेल और फीमेल, क्लियर? या तो माउथ में एंटर किया जा रहा है, वजाइना में हो रहा है, एनस में हो रहा है, या यूरेथ्रा में हो रहा है। और उन्होंने बोला है इंसर्ट एनी ऑब्जेक्ट, या तो पीनस या ऑब्जेक्ट को इंसर्ट किया जा रहा है, और ही मैन्युपुलेट्स द पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी पार्ट को मैन्युपुलेट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? बॉडी पार्ट को मैन्युपुलेट किया जा रहा है, और ही अप्लाइज हिज ओन माउथ टू पीनस वजाइना एनस यूरेथ्रा। तो मतलब ये ऑफेंस भी मेल या फीमेल के अगेंस्ट किया जा सकता है। अगेंस्ट क्यों? यू कैन सी वजाइना एंड पीनस, दैट मींस हमारा यहां पे विक्टिम मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। क्लियर है ये चीज? अब इसका पनिशमेंट कहां है? पनिशमेंट दे रखा है सेक्शन नंबर 4 में। 2 तरीके की पनिशमेंट है, मैं क्लियर कर रही हूं।
दो तरीके की पनिशमेंट है। जनरल पनिशमेंट इन्होंने बोला है मिनिमम 10 ईयर्स रहेगा। जनरल पनिशमेंट मिनिमम 10 ईयर्स है, मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट एंड फाइन हो सकता है। लेकिन यही ऑफेंस अगर 16 ईयर्स बिलो चाइल्ड के साथ किया गया है तो मिनिमम पनिशमेंट रहेगा 20 ईयर्स, मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट एंड फाइन। क्लियर है ये पॉइंट? मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट एंड फाइन। एंड ये जो फाइन दिया जाएगा ना बच्चों, जो फाइन फाइन जो कलेक्ट किया जाएगा वो किस पर्पस के लिए होगा? एक तो जो हमारे विक्टिम का मेडिकल एक्सपेंसेस हुआ है उसके लिए, दूसरा उसके रिहैबिलिटेशन के लिए, पुनर्निवास के लिए इस फाइन को यूज किया जाएगा। बराबर है? पनिशमेंट अच्छे से ध्यान रखना। अगर उनका मानस है कि वो चाहते हैं कि आप आंसर 20 ईयर्स मार्क करो, तो पहले देख लेना बिलो 16 ईयर्स दिया है कि नहीं दिया है। अगर बिलो 16 ईयर्स नहीं दिया है मतलब वो आपसे जनरल पूछ रहे हैं। आई होप कि वो आपको मेंशन करके देंगे। ओके, नाउ लेट्स कम टू अनदर ऑफेंस, दैट इज एग्रीवेटेड पेनिट्रेटर सेक्सुअल असॉल्ट। इसके लिए मैंने आपके यहां लिखा है सी द चार्ट। चार्ट देखेंगे और इस एग्रीवेटेड पेनिट्रेटर सेक्सुअल असॉल्ट को समझेंगे। ये रहा पीएसए, ये भी रहा पीएसए, लेकिन सेक्शन नंबर 3 का एग्रीवेटेड फॉर्म क्या है? सेक्शन नंबर 5, दैट इज एग्रीवेटेड पेनिट्रेटर सेक्सुअल असॉल्ट। पनिशमेंट इसकी 6 में दे रखी है। मिनिमम बोला 20 ईयर्स एंड फाइन, मैक्सिमम बोला लाइफ इंप्रिजनमेंट एंड फाइन। तो अगर मैं सारे पूरे एक्ट के पनिशमेंट्स को कंसिडर करूं, एक एनालिसिस करूं, तो जनरल पनिशमेंट्स को, ओके, जनरल पनिशमेंट्स को, तो हमें देखने को मिलेगा कि सबसे ज्यादा पनिशमेंट दे रखी है आपको सेक्शन नंबर 6 में। सेक्शन नंबर 6 में क्या दे रखा है? सबसे ज्यादा आपको पनिशमेंट देखने को मिलने वाली है। नाउ अब यहां से जब हम आगे चलेंगे तो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि इस सेक्शन नंबर 5 को कैसे पढ़ा जाए, इस सेक्शन नंबर 5 को कैसे पढ़ा जाए। सेक्शन नंबर 5 और 9 मैं कहती हूं दोनों को साथ में पढ़ना है। दोनों को इसलिए साथ में पढ़ना है क्योंकि 5 में 3 का एग्रीवेशन हो रहा है, 3 का एग्रीवेशन हो रहा है बराबर, और 9 में 7 का एग्रीवेशन हो रहा है। 7 और 8 में क्या है बच्चों? सेक्सुअल असॉल्ट। 9 में क्या है? एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। तो 7 का एग्रीवेटेड फॉर्म 9 में और 3 का एग्रीवेटेड फॉर्म 5 में। और एग्रीवेटेड कब है? जब ऐसे पर्सन द्वारा किया जा रहा है जो कि ड्यूटी बाउंड है बच्चे की प्रोटेक्शन को देखने के लिए, बच्चे का संरक्षण देखने के लिए, आपके पास उसकी कस्टडी है, आप उसका वेलबींग इंश्योर करना चाहते थे, लेकिन ऐसे किसी पर्सन ने उसके साथ अगर कोई ऐसा ऑफेंस किया है तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एग्रीवेटेड है। बाकी जनरल पर्सन द्वारा, एक आम पर्सन द्वारा किया गया, इसको हम एग्रीवेटेड नहीं मानेंगे। अब आपके पास इतने सारे क्लॉजेज हैं, वी यू तक हैं, तो उनको याद कैसे रखें? फॉर दैट मैंने आपके पास 5 कैटेगरीज बनाई हैं। 5 कैटेगरीज में मैंने इन सब सेक्शंस को या पॉइंटर्स को डिवाइड किया है। अब आपके पास 5 कैटेगरीज ये है कि ये एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट या ये एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, अगर इन 5 तरह की कैटेगरी में फॉल होता है या इन 5ों में से किसी कैटेगरी में फॉल होता है तो उसकी पनिशमेंट 6 में है और 9 की पनिशमेंट किस में है? 10 में है। पहली कैटेगरी है कि आपका अक्यूज्ड स्पेशल टाइप का है और स्पेशल प्लेस पे, स्पेशल टाइप ऑफ प्लेस पे क्या किया जा रहा है? वो ऑफेंस कमिट किया जा रहा है। आई विल एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स, डू नॉट वरी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड एंड अंडरस्टैंड द अदर 4 कैटेगरीज। सेकेंड कैटेगरी इज स्पेशल मेथड। जिस तरीके से ऑफेंस किया गया है वो बहुत ज्यादा घिनौना है, ओके? थर्ड इज स्पेशल टाइप ऑफ रिजल्ट वहां दिख रहा है, मतलब रिजल्ट जो नॉर्मल रिजल्ट होना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा एग्रीवेटेड फॉर्म का जो रिजल्ट है वो देखने को मिल रहा है। यहां पे विक्टिम जिस कैटेगरी की है वो कुछ स्पेशल कैटेगरी की है। एंड लास्ट है स्पेशल सिचुएशन में किया गया है, ओके? ये वर्ड स्पेशल लगाने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें एक दूसरे को डिफरेंशिएट करती हैं, ओके? नाउ यू सी, स्पेशल अक्यूजर स्पेशल प्लेस क्या होगा मैम? फर्स्ट पॉइंट ए और बी पॉइंट ये कहता है अगर वो आपका पुलिस ऑफिसर है या आर्म्ड फोर्स है जो कि अपने एरिया में किसी चाइल्ड के साथ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो हम बोलेंगे उसने एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है। अगर पुलिस ऑफिसर नहीं होता तो एग्रीवेटेड नहीं होता, लेकिन क्योंकि तुम पुलिस ऑफिसर हो, आपके ऊपर ड्यूटी है चाइल्ड की सुरक्षा देखने की, सिटीजन के राइट्स और राइट्स इंश्योर करने की, लेकिन फिर भी आपने ये कार्य किया है, आपने ये घिनौनी हरकत की है, हम इसको एग्रीवेटेड मान लेंगे, बराबर? अब देखो ये जो पुलिस ऑफिसर या आर्म्ड फोर्स है ना, या तो बच्चों ये जब ड्यूटी पे था तब किया या फिर उसने अपने एरिया में, ज्यूरिसडिक्शन में किया। कहां?
या तो अपने पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में या फिर स्टेशन हाउस की प्रीमाइसेस में। बैरक में आपको दे रखा है प्रीमाइसेस, ये क्या हो गया, ये आपकी लिमिट हो गई। पुलिस स्टेशन मतलब क्या, पुलिस स्टेशन मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर नोएडा में हो रहा है तो पुलिस स्टेशन की लिमिट्स, नोएडा के पुलिस स्टेशन का जो लिमिट्स है उस पूरे लिमिट से मतलब उस 15-20-30 किलोमीटर के अंदर किया है। तो स्टेशन हाउस मतलब क्या, स्टेशन हाउस मतलब वो जो पुलिस थाना है, वो जो चार दीवारी है ना, उस प्रीमाइसेस के अंदर, उस बिल्डिंग के अंदर, उस थाने के अंदर अगर आपके पुलिस ऑफिसर ने ऐसा कोई कार्य किया है, ऐसा कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है, तो हम उसको सिर्फ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 3 के लिए नहीं मानेंगे, हम उसको सीधा सीधा सेक्शन 5 में एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट मानेंगे। बराबर। सी बोला है कि अगर ये ऑफेंस किसी पब्लिक सर्वेंट द्वारा किया गया है, डी ई एफ सब का मिला के एक साथ हमने लिखा है कि ऐसे पर्सन द्वारा ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है जो कि मैनेजमेंट करता है या स्टाफ है, या तो हॉस्पिटल का, ये पब्लिक हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है, जेल है, रिमांड होम है, प्रोटेक्शन हाउस है, आपके ऑब्जर्वेशन होम है, प्लेस ऑफ सेफ्टी है, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस प्लेस को मैनेज कर रहा है या वहां का स्टाफ है, अगर वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो हम बोलेंगे तुमने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट नहीं, तुमने एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है। क्लियर। जी पॉइंट जो इसी कैटेगरी में आता है, अगर गैंग पीएसए हुआ है तो, अगर काफी सारे लोगों ने मिलकर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है, इट विल अमाउंट टू एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। नेक्स्ट इज रिलेटिव ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का कोई रिश्तेदार था, घर आया हुआ था, मामा चाचा फूफा, या तो मैरिज से रिलेशन है उसका, या ब्लड रिलेटिव है उसका, या फिर अडॉप्शन की वजह से उस पर्सन का उस चाइल्ड के साथ रिलेशन है, हम बोलेंगे आपने मात्र पीएसए नहीं एग्रीवेटेड पीएसए किया है। ओनर और मैनेजमेंट मैनेजर ऑफ इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग सर्विस टू चाइल्ड। अब हमें पता है कि कुछ सारे ऐसे चाइल्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस होते हैं या ऐसी संस्थाएं हैं जो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन को कुछ ऐसी सर्विसेज देती हैं जो कि उसके कल्याण के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके ओनर या मैनेजर ने किया, एनजीओ के किसी ओनर ने किया, इट विल अमाउंट टू एग्रीवेटेड पीएसए। पोजिशन एंड ट्रस्ट एंड अथॉरिटी, मम्मी गई बाहर मार्केट में अपने 5 साल के बच्चे को पड़ोसी के पास छोड़ के चली, अथॉरिटी दिया, विश्वास के साथ अथॉरिटी दिया कि आप मेरे बच्चे का ध्यान रखिएगा, मैं 4-5 घंटे में आ रही हूं। सिर्फ पेनिट्रेटिव असॉल्ट सेक्सुअल असॉल्ट नहीं होगा, ये क्या होगा, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। देखो सुनो, सेक्शन नंबर 5 में जो चीज है ना वो वही है जो सेक्शन नंबर 3 में हो रही है, मतलब कार्य सेक्शन नंबर 3 वाला ही हो रहा है, पेनिट्रेशन हो रहा है, पेनिस का पेनिट्रेशन हो रहा है, ऑब्जेक्ट का इंसर्शन हो रहा है, मैन्यूपुलेशन हो रहा है, इंसर्शन कहां पे हो रहा है, पेनिट्रेशन कहां पे हो रहा है, वजाइना एनस माउथ यूरेथ्रा में हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये सेक्शन नंबर 5 में मेंशनड लोगों द्वारा स्पेशल सिचुएशन में, स्पेशल विक्टिम में, स्पेशल अक्यूज्ड के द्वारा हो रहा है, इसलिए हमने इसको एग्रीवेटेड फॉर्म बोल दिया है। बाकी वही एलिमेंट है सेक्शन नंबर 3 का। ओके, अगर हम इसकी फर्स्ट लाइन हेडिंग पढ़ेंगे तो टी पॉइंट बोलता है कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है ऐसे पर्सन द्वारा जो कि प्रीवियसली कन्विक्ट हुआ है, या तो पॉक्सो एक्ट में या फिर किसी भी अदर सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए ऑलरेडी वो कन्विक्ट हो गया था, वापस जेल से बाहर आया, अब उसने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर दिया, तो हम उसे सेक्शन नंबर 3 की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 4 में पनिश नहीं करेंगे, सेक्शन नंबर 5 के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम उसे 6 में पनिश करेंगे। ठीक है, पनिशमेंट हमेशा पनिशमेंट वाले सेक्शन में होती है, डेफिनेशन में नहीं होती है। नेक्स्ट इज स्पेशल मेथड। कौन सा वो स्पेशल मेथड, आई होप आपको ये ट्रिक थोड़ी पसंद आएगी ताकि आप थोड़ा याद रख पाओगे इसको, क्योंकि आपके पास 20-25 चीजें दे रखी है, उनको एक साथ याद करोगे तो अच्छा है ना कि आप 5 तरह की सब हेडिंग्स बना के वो पॉइंटर्स उसमें ऐड कर लो। नेक्स्ट आपको दे रखा है स्पेशल मेथड, कुछ तरीका जो है वो घिनौना है, ठीक है, डेडली वेपन यूज किया जा रहा है, फायर यूज किया जा रहा है, या हीटेड सब्सटेंस, या ऐसा कोई कोरोसिव सब्सटेंस, आयरन स्टिक हो गया है, ये सारी चीजें अगर बच्चे के किसी भी बॉडी पार्ट में एंटर की जा रही है, यूज की जा रही है, तो स्पेशल एक कह सकते गंदे तरीके से ये हुआ है, इसलिए हमने ये सब कुछ क्लब एक साथ किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉज ग्रीवियस हर्ट, बच्चे को आप घोर उपत्ति दे रहे हो या बॉडीली हार्म। नेक्स्ट इज इंड्यूस कर रहे हो, एंटाइस कर रहे हो, या फिर कोर्स कर रहे हो उस बच्चे को, ताकि आप उस बच्चे को एडमिनिस्टर कर सको ऐसा ड्रग, ऐसा केमिकल जिससे कि वो सेक्सुअली जल्दी मैच्योर हो जाए, बिकॉज वहां पे
जो आपका ऑफेंडर है उसको क्या करना है, कुछ ऐसा सेक्सुअल लस्ट है जो उसको फुलफिल करना है, कुछ ऐसी ग्रेटिफिकेशन है जो वो फुलफिल करना चाहता है, देन इन दैट केस वो कुछ ऐसे ड्रग्स केमिकल्स उसको देता है, ठीक है, ताकि वो सेक्सुअली जल्दी मेच्योर हो जाए बच्चा. जब मैं वर्ड बोल रही हूँ आप, दैट डज नॉट मीन यू माई प्यारे स्टूडेंट्स, नो, मैं उस ऑफेंडर की बात कर रही हूँ, ठीक है, सो डोंट गेट अफेंडेड. नेक्स्ट पॉइंट, अगर वो ऑफेंडर अटेम्प्ट करता है मर्डर का और साथ ही साथ पीएसए भी कर रहा है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट भी और साथ में मर्डर का अटेम्प्ट कर रहा है, बच्चों क्या हो जाएगा, वो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट. आई होप आप सबको समझ आ रहा है. नेक्स्ट इज, यू मेक द चाइल्ड नेकेड इन पब्लिक और उसके बाद आप वहां पे क्या कर रहे हैं, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर रहे हैं, मतलब आपका ऑफेंडर कर रहा है ये सारी चीजें, तो वो सीधा चली जाएगी. मतलब पीएसए तो है, दोनों में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है एज पर सेक्शन 3, लेकिन आप यहाँ पे बच्चे को नेकेड कर रहे हैं और यहाँ पे आपका जो ऑफेंडर है वो यहाँ पे मर्डर के लिए अटेम्प्ट कर रहा है, देन दैट केस सीधा सीधा एग्रीवेटेड हो जाएगा. मतलब हम सेक्शन नंबर, धारा नंबर 6 की पनिशमेंट देंगे, 4 की नहीं देंगे. स्पेशल रिजल्ट हुआ है ऐसे पीएसए की वजह से. क्या स्पेशल रिजल्ट हुआ है? जे का फर्स्ट पॉइंट कहता है फिजिकली इनकैपेसिटेट हो गया है बच्चा, कुछ इस तरीके का घिनौना कार्य उसके साथ किया कि बच्चे का हाथ पैर कोई ऑर्गन कंप्लीटली खराब हो चुका है, इनकेपेबल हो चुका है बच्चा. नेक्स्ट पॉइंट इज मेक चाइल्ड प्रेग्नेंट, दैट इज ये फीमेल के केस में है. अगर उस सेक्सुअल असॉल्ट की, सेक्सुअल अब्यूज की वजह से, नॉट सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल अब्यूज की वजह से वो चाइल्ड, वो फीमेल चाइल्ड प्रेग्नेंट हो गई है, एग्रीवेटेड पीएसए में आएगा. इन्फ्लिक्ट एचआईवी, अगर उस बच्चे को एचआईवी हो गया पीएसए की वजह से, अब वो पीएसए नहीं हुआ, वो एपीएसए हो चुका है. कॉज द डेथ ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की डेथ कॉज कर दी पीएसए के साथ, क्या हो जाएगा ये, अब ये हो जाएगा एग्रीवेटेड पीएसए. अब जो मैंने आपको स्पेशल मेथड बताया और मैंने जो आपको स्पेशल रिजल्ट बताया, ये पूरा का पूरा चार्ट आप एज इट इज सेक्शन नंबर 9 पे भी अप्लाई करोगे, लेकिन यहां पे ये वाला जो पॉइंट है ना बच्चों, ये वाला सिर्फ और सिर्फ सेक्शन नंबर 9 में है, 5 में नहीं है. ये वाला पॉइंट सिर्फ और सिर्फ 9 में है, 5 में नहीं है, क्योंकि क्योंकि सेक्शन नंबर 5 में भी तो पेनिट्रेशन ही हो रहा है ना, पेनिट्रेशन ही हो रहा है. 9 में कोई पेनिट्रेशन नहीं हो रहा, देयर इज ओनली एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, नो पेनिट्रेशन इन सेक्शन नंबर 7, 8, 9, 10. पेनिट्रेशन इज ओनली एंड ओनली, पेनिट्रेशन मींस व्हाट, इंसर्शन, कोई चीज को इंसर्ट करना, सेक्शन 3, 4, 5, 6 में ही पेनिट्रेशन है. जे का पॉइंट 2 एंड जे का पॉइंट 4, ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो सेक्शन नंबर 9 में नहीं है, क्योंकि वहां पे पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है ना, वहां पे पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है, तो चाइल्ड का प्रेग्नेंट होना या चाइल्ड की डेथ होने का चांस ही नहीं बनता, वहां पे सिर्फ असॉल्ट हो रहा है. लेकिन यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ना बच्चों, ये वाला सिर्फ 9 में है, 5 में नहीं है, क्योंकि इससे कुछ आपने पेनिट्रेट नहीं किया है, लेकिन ये वाला 9 में नहीं है और 5 में है. एम आई क्लियर? आई होप मैंने उल्टा नहीं बोला है, ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है. लास्ट पॉइंट है कि सॉरी सेकंड लास्ट पॉइंट है स्पेशल विक्टिम. विक्टिम कुछ स्पेशल टाइप की थी, दैट इज यहाँ पे ऑफेंडर ने उस चाइल्ड का एडवांटेज उठाया है बिकॉज वो चाइल्ड मेंटली या फिजिकली डिसेबल था. तो चाइल्ड की कंडीशन कुछ अलग थी, कुछ स्पेशल काइंड ऑफ वो चाइल्ड था उस केस में. अगर आपने उस चाइल्ड का, आपने नहीं मतलब ऑफेंडर ने अगर फायदा उठाया है, तो वो पीएसए नहीं होगा, एपीएसए हो जाएगा. चाइल्ड के साथ एक से ज्यादा बार पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, वो अब एग्रीवेटेड हो जाएगा. बिलो 12 इयर्स था चाइल्ड, अब वो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो गया है. व्हेन द चाइल्ड इज प्रेग्नेंट एंड ये चीज अक्यूज को पता है कि चाइल्ड वॉज ऑलरेडी प्रेग्नेंट ड्यू टू सम अदर रीजन और उसने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है, हम बोलेंगे वो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है. एंड लास्ट कैटेगरी है स्पेशल सिचुएशन, ऐसी कोई नेचुरल कैलमिटी थी, कोई कम्युनल राइट्स चल रहे थे और उस वक्त किसी भी पर्सन ने उस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए सेक्शन नंबर 3 में मेंशन किया गया पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है, फिर वो सेक्शन नंबर 3 में नहीं सीधा 5 में चला जाएगा और एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए सेक्शन नंबर 6 में पनिशेबल होगा. क्लियर है? समझ आया कि ये चार्ट एक्चुअली आपको क्या कहना चाह रहा है, किस तरीके से हमारा सेक्शन 3 का एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव
एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव अब्यूज, सॉरी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल अब्यूज कैसे एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल अब्यूज बन जाता है। ओके तो सेक्शन नंबर 3 और 5 कनेक्टेड है, और सेक्शन नंबर 5 और 9 को मैंने कनेक्ट कर दिया क्योंकि सारे एलिमेंट्स सेम है एक्सेप्ट दीज 3 एलिमेंट्स। दैट इज जो आपका वी पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ 9 में है, इधर नहीं है। किधर नहीं है? सेक्शन नंबर 5 में नहीं है। जे का जो 2 और 4 है वो 9 में नहीं है लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5 में है। तो इस तरीके से आप अपना चार्ट बनाएंगे, कोशिश करेंगे ये पूरा एक ही A4 साइज के पेपर में ऐड कर देने का। चलेंगे अगले टाइप ऑफ ऑफेंसेस में, दैट इज सेक्सुअल असॉल्ट। व्हाट इज अ सेक्सुअल असॉल्ट? सेक्सुअल असॉल्ट में नो पेनिट्रेशन, आप वर्ड लिखेंगे यहां पे, देयर इज नो काइंड ऑफ पेनिट्रेशन, नो इंसर्शन इज देयर, देयर इज ओनली एंड ओनली सेक्सुअल इंटेंट। वहां पे सेक्सुअल इंटेंट है पर्सन का। सेक्सुअल असॉल्ट के लिए हमारे पास सेक्शन है 7 और 8 जो कि कहता है कि अगर कोई भी पर्सन, हूएवर मींस इट कैन बी मेल आल्सो, इट कैन बी फीमेल आल्सो, कोई भी पर्सन एक सेक्सुअल इंटेंट के साथ टच कर रहा है किसी भी पर्सन का वजाइना, पीनस, एनस या ब्रेस्ट, या फिर उस पर्सन को मेक कर रहा है ना, मेक्स दैट पर्सन टच आइदर हिज हिमसेल्फ, मतलब खुद का या फिर किसी और पर्सन के ये 4 बॉडी पार्ट्स, किसी थर्ड पर्सन का बॉडी पार्ट टच करवाना या खुद के बॉडी पार्ट्स को टच करवाना जिसमें इंक्लूड होगा वजाइना, पीनस, एनस एंड ब्रेस्ट, देन इन दैट केस वो जाएगा सेक्सुअल असॉल्ट की कैटेगरी में। एंड इसके अंदर कोई भी तरह का फिजिकल कॉन्टैक्ट हुआ विदाउट पेनिट्रेशन तो वो होता है सेक्सुअल असॉल्ट। ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है? सेक्सुअल असॉल्ट वो है जहां पे किसी भी तरीके का पेनिट्रेशन नहीं हुआ है, और इसी सेक्शन नंबर 7 की पनिशमेंट दे रखी है हमें सेक्शन नंबर 8 में, जो कहता है मिनिमम पनिशमेंट रहेगा 3 इयर्स एंड मैक्सिमम पनिशमेंट रहेगा हमारा 5 इयर्स, 3 to 5 इयर्स का रहने वाला है। एंड यहाँ पे साथ ही साथ क्या लगने वाला है? फाइन लगने वाला है। नाउ वी विल कम टू सेक्शन नंबर 9 और सेक्शन नंबर 10। मैंने क्या बोला था कि सेक्शन नंबर 9 और 5 एक जैसे ही हैं। पहली बात, 9 किसका सिमिलैरिटी? 9 7 का सिमिलैरिटी है, क्योंकि बच्चों 9 में हम सेक्सुअल असॉल्ट पढ़ के आए ना, सॉरी 7 में हम सेक्सुअल असॉल्ट पढ़ के आए ना, और 9 में एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है। और ये सेक्सुअल असॉल्ट जो सेक्सुअल इंटेंट के साथ कोई चीज को या कोई बॉडी पार्ट को टच किया जा रहा है, पेनिस हो गया है, वजाइना हो गया है, एनिस हो गया है या ब्रेस्ट हो गया है, इन चार चीजों को टच किया जा रहा है किसके द्वारा? वही सारे लोग जो सेक्शन 5 में पढ़ के आना, वही सारे हमारे 9 में मेंशन्ड है। दैट इज स्पेशल एक्यूज है, स्पेशल प्लेस पर है, स्पेशल विक्टिम है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस है, स्पेशल मेथड है, स्पेशल रिजल्ट्स है। कोई पुलिस ऑफिसर अगर किसी सेक्सुअल इंटेंट से किसी फीमेल चाइल्ड को ऐसा टच करे, सीधा एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। पेनिट्रेटिव क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चों कुछ इंसर्शन नहीं हुआ है, ठीक है? तो वो हो गया आपका सेक्शन नंबर 9। मैंने लिखा है यहाँ पे सेम एज 5 विद माइनर चेंजेस। माइनर चेंजेस किस में है? माइनर चेंजेस इस पॉइंट में है। माइनर चेंजेस ये एक तो वी पॉइंट में है और जे का 2nd और J का 4th पॉइंट में है। क्लियर? चलो देखो यहां पे पॉइंट, देयर इज नो पेनिट्रेशन, यहां पर भी कोई पेनिट्रेशन नहीं है, लेकिन सेक्सुअल असॉल्ट सेक्सुअल इंटेंशन है बाय ऑल अथॉरिटीज अंडर सेक्शन नंबर 5। वो सारी अथॉरिटीज जो सेक्शन नंबर 5 में मेंशन कर रखी वही के वही सेक्शन नंबर 9 में मेंशन कर रखी है। ओके तो कुछ खास अलग आपको पढ़ना नहीं है सेक्शन से। पनिशमेंट सेक्शन नंबर 10 में आपको दिया है मिनिमम 5 इयर्स, मैक्सिमम 7 इयर्स अलोंग विद द फाइन। ओके नाउ लेट्स मूव टू सेक्सुअल हैरेसमेंट। क्या है सेक्सुअल हैरेसमेंट? सेक्सुअल हैरेसमेंट सिर्फ आप यही नहीं पढ़ते हैं, अगर हम सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करेंगे हमें आईपीसी में देखने को मिलता है सेक्शन 354 ए बी सी डी, जहां पे स्टॉकिंग हो गया है, वॉयरिज्म हो गया है, आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ द विमेन हमको देखने को मिलता है। लेकिन ये सेक्शन थोड़ा सा अलग क्यों है? क्योंकि बच्चों दिस इज रिलेटेड टू अ चाइल्ड, बालक से रिलेटेड है ना, स्पेसिफिकली चिल्ड्रन के लिए हमारे स्टेट ने ये स्पेसिफिक स्पेशल लॉ बनाया है। ओके तो सेक्सुअल हैरेसमेंट आपका डिफाइंड है सेक्शन नंबर 11 में, पनिशमेंट है 12 में। कम पनिशमेंट इसी में, सारे सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात करूं तो सबसे कम पनिशमेंट इसमें है और सबसे ज्यादा किसमें? सेक्शन नंबर 6 में। ओके जनरल पनिशमेंट की बात कर रही हूं मैं, जनरल पनिशमेंट। ओके यहां पे सेक्सुअल हैरेसमेंट में सेक्शन नंबर 11 ये कहता है कि कोई भी पर्सन सेक्सुअल इंटेंट के साथ अगर ये 6 चीजें करता है,
पहला है, अगर उस सेक्सुअल इंटेंट के साथ वो पर्सन कोई साउंड निकाल रहा है, इफ ही अटर्स एनी वर्ड या कोई ऐसे हाथ से जेस्चर बना रहा है जो कि उसको पता है कि चाइल्ड द्वारा या तो इट विल बी हर्ड और इट विल बी सीन बाय दैट चाइल्ड, उसको पता है कि ऐसा कोई जेस्चर करूंगा, आवाज निकालूंगा, कुछ बोलूंगा, कुछ ध्वनि निकालूंगा, तो या तो वो बच्चा देख लेगा या सुन लेगा, है ना। हम सब ने ये बचपन में चीजें देखी है, कुछ विभिन्न मानसिकता वाले न जाने कहां से आने वाले लोग, ऐसा होता रहता है। ओके, तो ऐसा यदि वो करता है, कुछ ऑब्सीन एक्ट करता है जो उसको पता है कि बच्चा देखेगा, ताकि बच्चे को ऑकवर्ड फील कराना, उसके साथ न जाने कौन सा अपना लस्ट वो सेटिस्फाई करना चाहते हैं, तो ये किसकी कैटेगरी में आता है बच्चों, सेक्सुअल हैरेसमेंट की। सेकेंड पॉइंट बोला है, मेक्स चाइल्ड एग्जिबिट हिज बॉडी, बच्चे को आप सॉरी यहाँ पे जो ऑफेंडर है वो क्या करता है, उसको उसकी बॉडी को एक्सपोज करना या एग्जिबिट करने के लिए मजबूर कर देता है। शोज ऑब्जेक्ट फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस, बच्चे को ऐसा फोन में कुछ फोटो दिखा रहे हैं, कोई ऐसा चीज दिखा रहे हैं ताकि उसका ऐसा पोर्नोग्राफी का खुद का उसका वीडियो बनाया जा सके, उसको वो चीजें सिखाई जा सके। फॉलोज वॉचेस और कॉन्टैक्ट्स द चाइल्ड, जो कि आकर स्टॉकिंग में है ना, स्टॉकिंग में 354D IPC में हम देखते हैं उस बच्चे को, निरंतर आप फॉलो करते जा रहे हो, ऐसी जगह देख रहे हो जहां वो एक्सपेक्ट करता है कि वो उसको उसको आप नहीं देखोगे, थ्रेट कर रहे हो, डरा रहे हैं बच्चे को यहाँ पे। तो यूज द चाइल्ड इन मीडिया, या तो रियल या फैब्रिकेटेड डिपिक्शन में बच्चे को ऐसी धमकी दी जाती है कि सुनो भाई, ऐसा है कि तुम्हारा ये ऐसा वीडियो बना के हम मीडिया में चढ़ा देंगे, या तो वीडियो रियल हो सकता है या फैब्रिकेटेड वीडियो हो सकता है। तो बच्चे को ऐसे धमकी देना सेक्सुअल हैरेसमेंट है, ओके, एक तरीके का टॉर्चर है। एंड लास्ट पॉइंट है, बच्चे को इंटाइस किया जा रहा है, इंटाइस किया जा रहा है फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस, बच्चे को ऐसे अश्लील प्रयोजन के लिए उकसाया जा रहा है ताकि वो ऐसा कुछ एक्ट करे, डरा धमका के उसका ऐसा वीडियो बनवाना। सो दैट विल अमाउंट टू योर सेक्सुअल हैरेसमेंट, एंड इसका पनिशमेंट है अप टू 3 years एंड फाइन। क्लियर? सो दिस इज योर सेक्सुअल हैरेसमेंट। देखो एक चीज कॉमन है, सेक्शन नंबर अगर मैं 7 की बात करूं या मैं 11 की बात करूं, और 7 का ही एग्रीवेटेड फॉर्म 9 में है, इन तीनों में ही बच्चों आपको सेक्सुअल इंटेंट देखने को मिलेगा, सेक्सुअल इंटेंट आपको देखने को मिलेगा। जबकि अगर मैं सेक्शन नंबर 3 की बात करूं, जिसका एग्रीवेटेड फॉर्म हमें 5 में देखने को मिलता है, यहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, पेनिट्रेशन, ठीक है, पेनिट्रेशन या फिर मैं कह सकती हूँ इंसर्शन देखने को मिल रहा है। नाउ वी विल कम ऑन टू अनदर टाइप ऑफ ऑफेंस, विच इज नॉट अ सेक्सुअल ऑफेंस एक्चुअली, बट यूजिंग अ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस, अश्लील प्रयोजन के लिए यदि किसी बालक का प्रयोग किया जाता है तो वहां पे क्या क्या प्रोविजन है या क्या क्या पनिशमेंट्स हैं। डेफिनेशन दे रखी है 13 में, पनिशमेंट आपको 14 और 15 में दोनों में दे रखी है, लेकिन ध्यान रहे 15 में आपको पनिशमेंट दी है किसके लिए, ऐसे मटेरियल को स्टोर करने के लिए, बाकी जनरल जो 13 की पनिशमेंट है वो आपको 14 में दे रखी है, जनरल 13 की पनिशमेंट 14 में दे रखी है, 15 में हमें पनिशमेंट दे रखी है स्टोरेज की। तो सेक्शन नंबर 13 में इन्होंने बोला है कि पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए कब और कैसे यूज कर रहा है ऑफेंडर बच्चे को, उन्होंने बोला यूज ऑफ चाइल्ड हो रहा है किसमें, मीडिया में हो रहा है, ओके, कैसे हो रहा है, टीवी, इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बच्चे का ऐसा कुछ वीडियो बना दिया है और आप उसे मीडिया में पब्लिक कर रहे हो फॉर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन। दो पर्पस है, ध्यान रखना, एक तो खुद का सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन, न जाने उसकी कौन सी ऐसी लस्ट है वो पूरी करना चाहता है वो, प्लस दूसरा पर्पस हो सकता है। अब इनमें से किसी भी 3 तरीके के पर्पस हो सकते हैं, ये तीनों में से कोई भी एक तरीके का, नॉट 3 तरीके के, इन तीनों में से कोई भी एक तरीके का पर्पस हो सकता है। सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के साथ वो चाहता है कि बच्चे का जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो रिप्रेजेंट कर दिया जाए, पोर्नोग्राफिक पर्पस बनाया बच्चे के गार्मेंट्स वगैरह रिमूव करके, कि खुद का ग्रेटिफिकेशन भी पूरा कर रहा है और बच्चे के सेक्सुअल ऑर्गन्स को भी रिप्रेजेंट करने का ऐसा उसका पर्पस वो सेटिस्फाई करे, तो वो आएगा पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए बच्चे को यूज करना। या फिर हो गया है यूज चाइल्ड इन सेक्सुअल एक्ट, कोई सेक्सुअल एक्ट कंडक्ट कर रहा है खुद या करवा रखा है, वहां पे बच्चे को एंगेज करवा रहे हैं या बच्चे को यूज कर रहे हैं, तो एंड साथ ही साथ, अच्छा देखो ध्यान रखना, ये पर्पस तो है ही, लेकिन एक्ट ये हो रहा है, दिस इज पर्पस, दिस इज इंटेंशन, दिस इज मोटिव, लेकिन एक्ट ये भी हो रहा है साथ में,
एंड लास्ट पॉइंट बोला है इनडिसेंट और ऑब्सीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द चाइल्ड. बच्चे से ऐसा कोई इनडिसेंट एक्ट करवा रहे हो या ऑब्सीन एक्ट करवा रहे हो जो कि अगर नॉर्मल पर्सन को भी दिखाया जाए तो वो भी एक ऑब्सीन की श्रेणी में ही आने वाला है. तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन या बच्चे के सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल ऑर्गन्स का रिप्रेजेंटेशन. आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि यहाँ पे इनडिसेंट तरीके से वो दिख रहा है और यहाँ पे उसके सिर्फ सेक्सुअल ऑर्गन्स विजिबल है. क्लियर? तो इसकी पनिशमेंट दो तरीके की है. एक 2019 अमेंडमेंट से ऐड की गई है, उसको मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन पहले आप इसकी जनरल पनिशमेंट समझो. इन्होंने बोला कि अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंस किया गया है तो 5 years एंड फाइन है, और अगर सेकेंड टाइम कन्विक्शन हो गया तो 7 years एंड फाइन है. ठीक है, अब आपका सब क्लॉज टू ये कहता है, नॉट सबसेक्शन टू ये कहता है कि 2019 अमेंडमेंट में अगर जब पर्सन ये 13 का ऑफेंस कर रहा है, सेक्शन नंबर 13 का ऑफेंस कर रहा है, लेकिन उसका पर्पस साथ में सेक्शन 3, 5, 7 या 9 वाला है, देन उसको पनिशमेंट सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 8 और सेक्शन नंबर 10 की तो मिलेगी मिलेगी, साथ में सेक्शन नंबर 14(1) की भी मिलेगी. कैसे? समझो, अगर किसी पर्सन ने बच्चे का क्या किया, एक वीडियो बना रहा है, ठीक है, किसके लिए, खुद के सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए, लेकिन यहां पे उसका पर्पस अगर सेक्शन नंबर 3 में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करना है, 7 में एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करना है, 7 में सेक्सुअल अब्यूज सेक्सुअल असॉल्ट करना है, 3 and 5 में इट इज अब्यूज नॉट असॉल्ट, ओके, एंड सेक्शन नंबर 9 में अगर वो एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट करना चाहता है तो 14 में आपको इस पॉइंट में पनिशमेंट मिलने वाली है, जहां उसको 4, 6, 8, 10 की तो पनिशमेंट मिलेगी, 14(1) की भी मिलेगी, साथ में दोनों की पनिशमेंट क्लब करके मिलेगा, और वो आपको कोर्ट बताएगा कि वो पनिशमेंट कैसे रन करेगी. ओके, अब देखो एग्जाम्पल देती हूं मैं. एक पर्सन था जिसने कि अपने सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए बच्चे का एक वीडियो बनाया और साथ ही साथ उसने कोई ऑब्जेक्ट बच्चे के वजाइना में इंसर्ट किया, मतलब पेनिट्रेशन हुआ, किधर हुआ, सेक्शन नंबर 3 में, और अपना सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन पूरा करते हुए उसने एक वीडियो भी बना दिया, वीडियो भी बना दिया कि इस पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज होगा, तो इस पॉइंट में उसको सेक्शन नंबर 4 की भी पनिशमेंट मिलेगी और 14(1) की भी मिलेगी. और यही एक्ट अगर पुलिस ऑफिसर करता तो 5 का ऑफेंस करता, 13 का ऑफेंस भी करता, तो उसको पनिशमेंट 6 की भी मिलती और उसको पनिशमेंट 14(1) की भी मिलती. अब समझ आया क्या कहना चाह रहा है ये आपका पॉइंट नंबर 2, सबसेक्शन 2 क्या कहना चाह रहा है. ओके, और जब हम बात करें सेक्शन नंबर 15 की, तो इसमें 3 टाइप्स के लिए पनिशमेंट दिया गया है. इसमें बहुत सारी पनिशमेंट्स है, मिनिमम मैक्सिमम ये याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डू नॉट वरी, ये पनिशमेंट आपको नहीं पूछी जाएगी. ओके, सेक्शन नंबर 15 ये कहता है पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटीरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड. चाइल्ड को एक ऐसे एक्ट में आपने इंक्लूड किया है जो कि पोर्नोग्राफी का एक मटीरियल है, पोर्नोग्राफी आपने बना रखी है और उस पोर्नोग्राफिक मटेरियल को स्टोर कर लिया, स्टोर करके खुद के पास रख लिया, अगर वो आपके पास से जब्त हुआ है, सेक्शन नंबर 15 में जाएंगे. ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट बोला है अगर ऐसा मटेरियल पोजेस किया गया, ट्रांसमिट किया गया या शेयर किया गया है, डिस्प्ले किया या डिस्ट्रीब्यूट किया, या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए पैसा बनाने के लिए ऐसा मटेरियल को खुद के पास स्टोर करके रखा, सेक्शन नंबर 15 लगेगा, 14 नहीं लगेगा. बिकॉज नॉट नेसेसरी ना कि 15 में उस पर्सन ने बनाया हो सकता है किसी और ने बनवाया हो, चाइल्ड के अगेंस्ट ऑफेंस किसी ने किया हो, ये सिर्फ जो 15 में व्यक्ति पकड़ा गया इसके पास सिर्फ मटेरियल है, इसने कुछ नहीं किया, इसको सीडी डीवीडी व्हाट्सएप पे वीडियो कहीं और से मिला. ठीक है, तो ऐसा मटेरियल भी अगर उसने अपने पास स्टोर कर रखा है तो क्या होगा, 15 में जाएगा. क्लियर, चलेंगे अब आगे. जो बात करता है अबेटमेंट की, अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस की. अब यहां पे एक चीज देखो, जो अटेम्प्ट है या अबेटमेंट है, सॉरी नॉट अटेम्प्ट ओनली अबेटमेंट, ये आपके काफी सारे आईपीसी के एलिमेंट्स लेके बैठा है. काफी सारे आईपीसी के एलिमेंट्स इसमें कैसे हैं, सेक्शन नंबर 16 में बोला अगर आपके जो हम पहले ऑफेंसेस पढ़ के आए इनमें से किसी भी ऑफेंस का अबेटमेंट हुआ है और 17 में किसी भी ऑफेंस का अटेम्प्ट हुआ है तो पनिशमेंट क्या होगी, तो पनिशमेंट क्या होगी, ये आपको कहां बताया गया है, ये आपको सेक्शन नंबर 18 में बताया गया है. अब देखो 16 में बोला कि इधर आइए हम आपको ये बताते हैं कि अबेटमेंट क्या है. इन्होंने बोला अबेटमेंट मींस या तो आप इंस्टिगेट कर रहे हो, या आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, या इंटेंशनल एड प्रोवाइड कर रहे हो ताकि
उस चाइल्ड को ट्रांसपोर्ट किया जा सके, हार्बर किया जा सके, या उस चाइल्ड को रिसीव किया जा सके। पर क्यों, फॉर व्हाट, फॉर एनी ऑफेंस जो कि आपके पॉक्सो एक्ट में मेंशन्ड है, और हाउ, हो कैसे रहा है, या तो फोर्स से, कोर्शन से, अबडक्शन से, फ्रॉड से, या फिर डिपिक्शन से। तो इनमें से किसी भी तरीके से बच्चे के साथ ऐसी तीन चीजें हो रही है, इन तीन चीजें हो रही है, तो हम बोलेंगे दिस इज इंटेंशनल एड। ये सारी इंटेंशनल एड में आती है। अगर विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन किया या विलफुल कंसीलमेंट भी किया, तो वो भी इंस्टिगेशन के कॉन्टेक्स्ट में या इंस्टिगेशन के पॉइंट में कवर होने वाला है। तो आपके अबेटमेंट में तीन चीजें आती है, इंस्टिगेट, कॉन्स्पिरेसी एज वेल एज इंटेंशनल एड। अब इन्होंने बोला अबेटमेंट की पनिशमेंट क्या होगी। अच्छा सॉरी बच्चों, शायद मैंने आपको ये बोला था कि पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट एंड अबेटमेंट इन 18। नो नो नो, अबेटमेंट 16 में हो रहा है, पनिशमेंट 17 में दे रखा है। कितनी पनिशमेंट है, सेम एज फॉर ऑफेंस। आईपीसी में अबेटमेंट आपको किधर से दे रखा है, 107 में दे रखा है, अबेटर 108 में डिफाइन करके दिया है ना। यहां पर आपको 17 में पनिशमेंट बोला, वही पनिशमेंट है जो कि आपके ऑफेंस के लिए पनिशमेंट है, मतलब 4, 6, 8, 10 एंड 12। बराबर, सेक्शन नंबर 18 बोलता है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट। अगर आपने उनमें से किसी भी ऑफेंस का अटेम्प्ट किया तो कितना पनिशमेंट। पहला पॉइंट कहता है हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द इंप्रिजनमेंट। अगर आपने मान लो किसी ऑफेंस में मैक्सिमम पनिशमेंट 7 ईयर्स है, तो उसका हाफ 3.5 साल होगी। लेकिन लेकिन अगर वहां पर आपका लाइफ इंप्रिजनमेंट दे रखा है, तो लाइफ इंप्रिजनमेंट का हाफ। अब हमें कैसे पता बच्चा कि लाइफ इंप्रिजनमेंट कि वो कितने साल तक जिएगा। अब हमें कैसे अनुमान लगा ले कि नहीं, ये आदमी तो 20 साल ही जिएगा, 20 साल का आधा, इसको 10 साल की सजा दे दो। नो, इन दैट केस योर सेक्शन नंबर 57 ऑफ आईपीसी अपीयर्स, जो कि कहता है कि व्हेन इट कम्स टू फ्रैक्शन ऑफ लाइफ इंप्रिजनमेंट, कि लाइफ इंप्रिजनमेंट का जब हम फ्रैक्शन निकालना है, तो हम 20 साल मानेंगे। क्या मानेंगे उस केस में, 20 साल मांगेंगे मानेंगे। और 20 साल का आधा कितना होता है बच्चों, 20 साल का आधा होता है 10 साल। क्लियर है ये चीज? ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट। अब शुरू होता है हमारा यहां से प्रोसीजरल एस्पेक्ट। यहां से बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत अच्छे से आपको समझनी होगी, क्योंकि यहां पे छोटे छोटे पॉइंट्स बनेंगे। यहां से सवाल बहुत बार आ चुके हैं। आपके जीजीएस के पेपर को उठा के देखिए, आरजीएस के पेपर को उठा के देखिए, एडीजे के पेपर्स को उठा के देखिए, तो अच्छे से समझना। एंड कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन फॉर्मेट में लगा रखे हैं, तो इजी रहेगा आपके लिए समझना। सेक्शन नंबर 19 से लेकर 23 बोलता है केस को रिपोर्ट कैसे करोगे अगर आपको पता चल गया कि किसी बच्चे के साथ पॉक्सो में कोई ऑफेंस हुआ है। तो सेक्शन नंबर 19 में रिपोर्टिंग की पूरी प्रोसीजर है, लेकिन इसको मैंने दो कह सकते हैं कि लेवल्स में डिवाइड किया है। पहला लेवल है आपका रिपोर्टिंग, कब, कौन, कब और कैसे करेगा, कौन, कब और कैसे करेगा, कौन, किसे और कैसे करेगा। बराबर, आफ्टर रिपोर्टिंग क्या प्रोसीजर है मैम, हम तो रिपोर्ट करके बैठ गए, फिर उस बच्चे का क्या, जिस बच्चे के साथ ऑफेंस हुआ है उसका क्या। तो सेक्शन नंबर 19 ये कहता है कि जब आप रिपोर्ट करने जाएंगे, तो पहले ये देखो रिपोर्ट कर कौन सकता है। कोई भी पर्सन, एनी पर्सन कैन रिपोर्ट बच्चों, एनी पर्सन, इवन आई कैन रिपोर्ट इफ आई फील दैट देर इज अ पर्सन, देर इज अ चाइल्ड लिविंग इन माई लोकैलिटी अगेंस्ट होम एनी ऑफेंस अंडर पॉक्सो हैज बीन कमिटेड, आई कैन गो एंड फाइल अ रिपोर्ट अगेंस्ट दैट पर्सन हु हैज अप्रिहेंशन कि ऑफेंस या तो कमिट हो सकता है, लाइकली है, लाइकलीहुड है कि हो सकता है कि ऑफेंस कमिट होगा, या फिर हैज बीन कमिटेड, या फिर ऑफेंस हो चुका है। तो अगर मुझे ऐसा अप्रिहेंशन है, या तो हो जाएगा या हो गया है, मैम जाइए आप ऑफेंस का रिपोर्ट दे सकते हैं। किसको रिपोर्ट दूं मुझे ये बताओ। अब क्योंकि मैं तो लॉ फील्ड से हूं, तो मुझे तो पता है स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट होती है साहब, मैं तो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट के पास दे दूंगी। लेकिन अगर कोई पब्लिक है जिसको पता नहीं है, वो लोकल पुलिस के पास जा सकती है। अच्छा, ऐसा सेक्शन में नहीं लिखा है कि पब्लिक लोकल पुलिस के पास जाएगी और लीगल या लॉ बैकग्राउंड के स्टूडेंट जो हैं वो एसपीजीओ के पास जाएंगे। ये तो मैंने जनरल बोला है कि दोनों में से किसी के पास भी जा सकते हो। लेकिन अगर लोकल आम जनता को नहीं पता, आप लोकल पुलिस के पास जा सकते हो। अगर आपको पता है तो आप स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट के पास जा सकते हो। दोनों में से किसी के पास भी रिपोर्टिंग हो सकती है इस केस की। मैनर क्या होगा, जब आप रिपोर्ट करेंगे वो रिपोर्ट राइटिंग में की जाएगी, उसमें एंट्री नंबर डाला जाएगा और वो इंफॉर्मेशन रेड ओवर की जाएगी इन्फॉर्मेंट को, सेम वैसे जैसे 154 ऑफ सीआरपीसी में हम पढ़ते हैं एफआईआर, इनकॉग्निजिबल केस। बराबर, अगर ये इंफॉर्मेशन
बच्चे ने दी तो क्या, यहाँ पे एनी पर्सन में बच्चा खुद आ सकता है जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है। अगर ये इंफॉर्मेशन बच्चे ने दी तो फिर क्या, तो उसी लैंग्वेज में उसको रिकॉर्ड कीजिए जो लैंग्वेज उसको समझ आती है, क्योंकि आपको वापस उसको पढ़ के सुनाना है, बराबर। एंड अगर वो लैंग्वेज बच्चे को नहीं समझ आती जो आप पूछ रहे हो या जो वो बता रहा है या जिसमें आप वापस उसको इंफॉर्मेशन को बता रहे हो कि हमने क्या रिकॉर्ड किया है, तो उस केस में ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर को अपॉइंट कीजिए, ठीक वैसे ही जैसे हम सेक्शन नंबर 154 में अपॉइंट करते हैं एंड सेक्शन नंबर 164 में स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग के वक्त 5A में सीआरपीसी में अपॉइंट करते हैं, वैसे के वैसे यहाँ पे इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर को अपॉइंट किया जाएगा। एक बार ऑफेंस रिकॉर्ड हो गया, आगे क्या मैम, आगे क्या, या तो यहाँ बच्चा खुद पहुंच गया या फिर आपने पुलिस को बता दिया, तो पुलिस जाएगी बच्चे को लेके आएगी। अब जब बच्चे को लेके आ गई है तो विद इन 24 आवर्स स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट जिसको आपने यहां इंफॉर्मेशन दी है या फिर लोकल पुलिस जिसको आपने यहां पे इंफॉर्मेशन दी है, वो 24 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को या तो शेल्टर होम पहुंचाएगा या नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुंचाएगा, सिर्फ तब जब चाइल्ड इज इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जब बच्चे को देख रेख और साथ ही साथ संरक्षण की आवश्यकता है, देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता है, सिर्फ उस मामले में या तो वो शेल्टर होम में भेजेगा या नियरेस्ट हॉस्पिटल में भेजेगा। और इसके बाद 24 आवर्स के अंदर आपके स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या लोकल पुलिस को रिपोर्ट करनी है, किसको, आपके स्पेशल कोर्ट को रिपोर्ट कीजिए या फिर चाइल्ड वेलफेयर कमिटी को रिपोर्ट कीजिए। देखो अगर शेल्टर होम या नियरेस्ट हॉस्पिटल नहीं भेजा ना, अगर वो सीसीपी नहीं है, नो प्रॉब्लम, मत भेजिए उसको। आपको जैसे ही वो बच्चा मिलता है आप इमीडिएटली 24 आवर्स में या तो चाइल्ड वेलफेयर कमिटी के पास भेजिए या स्पेशल कोर्ट के पास भेजिए। और अगर आपके पास स्पेशल कोर्ट नहीं बनाया गया है, आपके डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई भी पॉक्सो का स्पेशल कोर्ट नहीं बनाया गया है जो हम आगे सेक्शन नंबर 28 में पढ़ने वाले हैं, देन इन दैट केस आप कोर्ट ऑफ सेशन के सामने उस बच्चे को हाजिर कीजिए कि दिस इज द पर्सन, दिस इज द विक्टिम। सो ये जरूरी है 24 आवर्स में आप शेल्टर होम और नियरेस्ट हॉस्पिटल तभी पहुंचाइए जब वो बच्चा सीसीपी है। नहीं है सीसीपी, डायरेक्टली आप जाइए चाइल्ड वेलफेयर कमिटी को देके आइए बच्चे को, या फिर कहां पे जाएंगे आप, स्पेशल कोर्ट में। स्पेशल कोर्ट नहीं है, कोर्ट ऑफ सेशन, यहां से सवाल आता है, आता है, आता है और आता है यहां से सवाल, ओके। और सीसीपी नहीं है तो डायरेक्टली यहां भेज दीजिए, सीसीपी है तो यहां भेजिए, उसके बाद यहां पे कोर्ट ऑफ सेशन में जाके आपको रिपोर्ट करनी है, भेजना नहीं है, आई मीन टू से रिपोर्ट करनी है, भेजना नहीं है, सॉरी, बच्चे को यहां नहीं भेजना है, आपको रिपोर्ट करना है कि ऐसा कुछ मैटर हुआ है, ओके। आगे चलेंगे, अब 19 में रिपोर्ट हो गई है। 19 में रिपोर्ट होने के बाद जितना भी हमारा प्रोसीजर है वो 24 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 24 से स्टार्ट होगा। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जो, दिस इज योर 23, ओके, दिस इज योर 23। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम यहां डिस्कस करेंगे जहां पे पनिशमेंट बनता है जो कि ऐसे पर्सन के अगेंस्ट नहीं है जिसने सेक्सुअल ऑफेंस किया है, बट ऐसे पर्सन के अगेंस्ट है जो कि ड्यूटी बाउंड था कुछ एक्ट करने को, लेकिन उसने वो ड्यूटी निभाई नहीं। अब उसने जब ड्यूटी निभाई नहीं तो उस केस में ब्रीच ऑफ ड्यूटी मानेंगे हम, क्योंकि इस एक्ट ने खुद कुछ ऑब्लिगेशंस दिया है। हमने इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव में ही पढ़ा था कि आपको चाइल्ड की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करके रखना है। अगर यहाँ पे चाइल्ड की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट नहीं हुई, अगर बच्चे की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट नहीं की गई है, तो आप सेक्शन नंबर 20 में देखो पनिशमेंट दे रखी है। ये कहता है नॉट 20 में पनिशमेंट नहीं, 20 में ऑब्लिगेशन दे रखी है, पनिशमेंट हम आगे देखने वाले हैं, दैट इज 23 में देखने वाले हैं। सेक्शन नंबर 20 कहता है सुनो मीडिया वालों, आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, नॉट जस्ट मीडिया वालों, मीडिया, होटल, लॉज, हॉस्पिटल, क्लब, स्टूडियो, फोटोग्राफिक फैसिलिटी, आपके यहां पे कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा ऑफेंस हो रहा है, सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है या बच्चे को पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, मतलब पॉक्सो के अंदर कोई ऑफेंस आपकी नजरों के सामने हो रहा है या आपको लग रहा है कि हो सकता है, तो आप इंफॉर्मेशन दीजिए या तो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को या फिर लोकल पुलिस को। क्लियर है, लोकल पुलिस को। मान लो होटल के ओनर को लगा, जाने दो कौन न्यूज देगा, अपने क्या लेन देन, क्यों हमें फालतू का फंसना फलाना वगैरह, है ना। तो उस केस में सेक्शन नंबर 21 में आपने फेलियर किया है, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन थी, यू फेल्ड टू रिपोर्ट द केस। और वहीं पर सेक्शन नंबर 19 में रिपोर्ट करने के लिए फेल हुए हो आप 20 में, एंड रिकॉर्ड करने के लिए फेल हो गए हैं हमारे स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट या लोकल पुलिस सेक्शन नंबर 19 में,
रिकॉर्डिंग कहाँ हो रही है, 19 में। केस को रिपोर्ट करने का ऑब्लिगेशन कहाँ, 20 में। तो 19 या 20 दोनों में से अगर किसी भी सेक्शन में वो पर्सन फेल होता है, देन इन दैट केस पनिशमेंट 6 months और फाइन, 6 months और फाइन। सेक्शन नंबर 22 बोलता है गलत इंफॉर्मेशन दिया तो, किसी भी पर्सन ने ये गलत इंफॉर्मेशन दे दिया कि इसने बच्चे ने तो इस बच्चे ने इस पर्सन ने तो इस बच्चे के अगेंस्ट ऐसा कोई सेक्सुअल ऑफेंस किया है जानबूझ के दिया है ताकि उस पर्सन को हैरेस कर सके, परेशान कर सके, कि सेक्शन नंबर 3, 5, 7, 9 में ऐसा कोई उसने ऑफेंस किया है, भैया सीधा 6 months और फाइन। कहने का मतलब यह है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन नॉट अलाउड। सेक्शन नंबर 23 को जब आप पढ़ रहे हो 20 से कनेक्ट करना है, दिस द रीजन मैंने इन दोनों को ऊपर नीचे लिखा है, क्योंकि 20 में जहां सिर्फ हमारे इतने सारे लोगों पर ऑब्लिगेशन डाला है, 23 उसमें से वन ऑफ देम की बात करता है, मतलब मीडिया के बारे में बात करता है और बोला है कि मीडिया जहां हमने 20 में आप पे ऑब्लिगेशन डाला ना, 23 में आपको एक प्रोसीजर अपनानी है, और प्रोसीजर वो है कि आप बिना कंप्लीट इंफॉर्मेशन के रिपोर्ट या कमेंट नहीं करेंगे। सो जर्नलिस्ट के लिए जनरली ये है कि बिना पूरी इंफॉर्मेशन के आप कोई भी या किसी भी तरीके का रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। सेकंड बोला है आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड विल नॉट बी डिस्क्लोज, मतलब उसका नाम, स्कूल, पता, एज, उसका क्लास नंबर, उसका फोन नंबर, कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करना है कि ऐसे पर्सन के साथ ये ऑफेंस हो गया है, एक्सेप्ट स्पेशल कोर्ट परमिट्स। अगर स्पेशल कोर्ट को लगता है कि चाइल्ड के लिए बेनिफिशियल है तो वो मीडिया को परमिट करेगा, फिर मीडिया डिस्क्लोज कर सकती है, अदरवाइज नॉट। फिर भी अगर मीडिया ने डिस्क्लोज कर दिया, पनिशमेंट आ जाओ 6 महीने की, मैक्सिमम 1 ईयर और फाइन, मैक्सिमम 1 ईयर और फाइन, एंड मिनिमम पनिशमेंट तो 6 months है। तो इस 6 months का क्राइटेरिया आपको सेक्शन नंबर 21, 22, 23 में याद रखना है। 20 से लेकर 23 तक का चार्ट ऐसे ही बनेगा। ओके, अब चलेंगे हम, दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड। एक बच्चे का स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड होना है, ध्यान रखना मैं स्टेटमेंट की बात कर रही हूं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दो लोगों के द्वारा रिकॉर्ड होगा, एक तो या तो आपके मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड होता है और दूसरा आपके पुलिस ऑफिसर द्वारा रिकॉर्ड होगा। तो आपके पुलिस ऑफिसर द्वारा जब रिकॉर्ड हो रहा है उसका प्रोसीजर दिया है 24 में, और मजिस्ट्रेट साहब जब कर रहे हैं उसका प्रोसीजर दिया है 25 में। तो पहले 24 में देखो उन्होंने क्या मैनर दिया। उन्होंने बोला जब भी किसी चाइल्ड का आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हो, इट विल ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट द रेजिडेंस ऑफ दैट प्लेस, रेजिडेंस ऑफ दैट पर्सन, एंड एक विमेन पुलिस ऑफिसर द्वारा होगा हु विल नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ अ सब इंस्पेक्टर। ये सवाल आ सकता है, सब इंस्पेक्टर की रैंक से बिलो वो पुलिस ऑफिसर विमेन पुलिस ऑफिसर नहीं होनी चाहिए। पुलिस ऑफिसर कभी भी यूनिफॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि ये देख के बच्चा डर सकता है कई बार, है ना। तो नॉर्मल जो हम कैजुअल कपड़े पहनते हैं बिल्कुल आप वैसे आए। नो कॉन्टैक्ट विद अक्यूज, जब बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है मेक श्योर कि वो अक्यूज से दूर है, अक्यूज उसके सामने नहीं है, डर के कुछ गलत वो स्टेटमेंट ना दे दे या बात छुपा ना दे। नो नाइट डिटेंशन इन पब्लिक पुलिस स्टेशन, बच्चे ने खुद अगर रिपोर्ट देने आया है आप उसका नाइट डिटेंशन नहीं करेंगे, रात को उसको नहीं रखना, उसको घर भेजिए, एंड चाइल्ड की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करिए। इसको हम रीड करेंगे किसके साथ, सेक्शन नंबर 23 के साथ, क्योंकि वहां पे मीडिया पे ऑब्लिगेशन डाला, यहाँ पे पुलिस पे ऑब्लिगेशन डाल दिया, आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। 25 में देखते हैं कि मजिस्ट्रेट के ऊपर क्या रूल्स लगा रखे हैं या क्या उन्होंने लॉ बना रखा है कि उनको वो चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी जब कोर्ट में उस बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है। तो पहला उन्होंने बोला अगर बच्चे ने 164 का स्टेटमेंट दिया, है ना, मजिस्ट्रेट के सामने कहां स्टेटमेंट होता है, 164 में, ओके? 164 में जब मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट हो रहा है तो उसको ठीक उसी लैंग्वेज में आप रिकॉर्ड करें एज इट इज स्पोकन बाय द चाइल्ड, ठीक उसी शब्दावली में और उसी लैंग्वेज में, क्योंकि बच्चे का बोलने का तरीका, बच्चे का चीजों को सामने रखने का तरीका काफी डिफरेंट होता है, हम एडल्ट जैसा नहीं होता, बराबर। पॉइंट नंबर 2 बोला है नो प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड, देखो नो प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड, नो कॉन्टैक्ट विद अक्यूज्ड, दोनों सेक्शन में दे रखा है। थर्ड पॉइंट कहता है जब रिपोर्ट भेजी गई है पुलिस ऑफिसर द्वारा अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी, दैट इज चार्जशीट भेजी गई है, तो उस केस में दे हैव टू मेक श्योर
कि हम डॉक्यूमेंट्स की कॉपी या तो चाइल्ड को दे रहे हैं या उसके रिप्रेजेंटेटिव को दे रहे हैं अंडर 207, दैट इज सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स। 206 में बता रखा है आपको और 207 में भी बता रखा है, दोनों में आपको अलग अलग तरीका बता रखा है कि कब 206 में देनी है कब 207 में देना है, बराबर। तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है मजिस्ट्रेट साहब कि आप क्या करेंगे, उस बच्चे को 207 में डॉक्यूमेंट सप्लाई करेंगे, क्योंकि अगर आगे कोर्ट ऑफ सेशन के पास केस जाते तो कोर्ट ऑफ सेशन इज नॉट गोइंग टू सप्लाई द डॉक्यूमेंट्स, इट इज द ड्यूटी ऑफ योर मजिस्ट्रेट ओनली अंडर सेक्शन 207। 206 का मामला अलग हो जाता है, तो उस केस में आपके मजिस्ट्रेट आपका ड्यूटी बनेगा कि वो क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को सप्लाई करवाएंगे आपके इस 25 के अंदर चाइल्ड या उसके रिप्रेजेंटेटिव को। अब 25 का ही मैं कह सकती हूँ भाई है 26, जो उन्होंने बोला कि जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है तो कुछ और एडिशनल प्रोविजंस हैं, चाहे 24 हो गया है या 27 हो गया है, दोनों के वक्त कुछ और एडिशनल प्रोविजंस है जो आप ध्यान रखिए। अब वो क्या एडिशनल प्रोविजंस है, उन्होंने बोला स्टेटमेंट हमेशा पेरेंट्स की प्रेजेंस में रिकॉर्ड होगा, अगर यहां लगता है आपको तो ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर का प्रयोग करें। सो कैन आई से यू शुड रीड दिस विद सेक्शन नंबर 19 मैनर, हमने बोला कि अगर बच्चे के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है तो वहां पे क्या होना चाहिए, उसे उस लैंग्वेज में रिकॉर्ड करें जो कि सिंपल है, जो कि वो अंडरस्टूड करता है, और अगर वो लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है तो इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर को अपॉइंट कीजिए ताकि आपकी लैंग्वेज बच्चा समझ सके और बच्चे की लैंग्वेज आप समझ सके। ओके, स्पेशल एडुकेटर इफ चाइल्ड इज मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड, अगर बच्चा विशेष रूप से असक्षम है, इनकेपेबल है बिकॉज फिजिकली या मेंटल ऐसा कुछ डिसेबिलिटी है उसमें, आप स्पेशल एडुकेटर को वहां अपॉइंट कीजिए। ओके, एंड जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा बच्चे का वो ऑडियो वीडियो फॉर्म में होने वाला है। सो दीज आर सम एडिशनल प्रोविजन अंडर सेक्शन 26। 27 की बात करें तो उन्होंने बोला मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड, अब ऐसा केस है पॉक्सो का केस होता है, स्पेसिफिकली रेप के केस में हमेशा मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, तो 27 में भी मेडिकल एग्जामिनेशन होना बनता है। तो 27 में मेडिकल एग्जामिनेशन को लेके कुछ रूल्स हैं। यहां इन्होंने बोला कि मेडिकल एग्जामिनेशन 164A ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ही होगा, वहां पे मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है, ठीक वही प्रावधान आपको अपनाने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है कंप्लेन और या फिर एफआईआर रजिस्टर हुई है या नहीं हुई है, आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है ना पुलिस साहब, है ना पुलिस ऑफिसर, आप बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन कीजिए। अगर विक्टिम गर्ल है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन एक विमेन डॉक्टर द्वारा ही होगा, और मान लो अगर ये विमेन डॉक्टर नहीं है, विमेन डॉक्टर नहीं है, सॉरी नॉट विमेन डॉक्टर, पेरेंट्स नहीं है, विमेन डॉक्टर तो आपको आराम से मिलेगी, बहुत सारी विमेन डॉक्टर्स होती हैं, ये मेडिकल एग्जामिनेशन किसकी प्रेजेंस में होना चाहिए, पेरेंट्स की प्रेजेंस में। अब मान लो पेरेंट्स नहीं है वहां पे या बच्चे के पेरेंट्स डेड हैं, देन इन दैट केस व्हाट, उस केस में एक ऐसी विमेन जो कि नॉमिनेट की गई है हेड ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट द्वारा, मेडिकल इंस्टीट्यूट ने जिस विमेन को यहां पे नॉमिनेट किया है वो विमेन की प्रेजेंस में उस बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये सेक्शन नंबर 27 के बारे में ना हम मिसलेनियस दैट इज लास्ट चैप्टर नंबर 9 में एक पॉइंट पढ़ेंगे, एक सेक्शन पढ़ेंगे, वहां मैं इसको वापस कनेक्ट करूंगी सेक्शन नंबर 27 को। ओके, सो दैट इज हाउ द रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट हैज टू टेक प्लेस एंड वेन इट कम्स टू सेक्शन नंबर 28 to 32, दैट इज स्पेशल कोड। हालांकि हम स्पेशल कोड बाद में कर सकते थे, हम लोगों को पावर एंड प्रोसीजर ऑफ स्पेशल कोड एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस पहले करना चाहिए, बट नो प्रॉब्लम, सिंस हमारे पास सीरियल नंबर वाइज चल रहे तो ऐसे भी चलेंगे, ठीक है। अब स्पेशल कोड क्या है, पॉक्सो कोड है। आप में से जो स्टूडेंट्स अभी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं उन्होंने पॉक्सो कोड जरूर देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो कभी न्यायालय जाएं तो जरूर अपने सीनियर्स को पूछेंगे भैया पॉक्सो कोड कहाँ है, वो आपको बताएंगे कि पॉक्सो कोड कहाँ है, ठीक है, तो जरूर देखें वो। ओके, स्पेशल कोड को ही पॉक्सो कोड कहा जाता है, सेक्शन नंबर 28 में उसके एस्टैब्लिशमेंट की बात है, कौन स्थापित करेगा ऐसे स्पेशल कोड को, सिंपल चीजें हर डिस्ट्रिक्ट में होती है, और ये आपका जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या हर डिस्ट्रिक्ट में जब एस्टैब्लिश की जा रही तो सिंपल है स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट ऑफ दैट कंसर्न स्टेट, और स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से आप कंसल्ट करेंगे कौन, स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल कोर्ट स्टैब्लिश किया जाएगा, और कोई नया कोर्ट स्टैब्लिश नहीं करना है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के एक कोर्ट ऑफ सेशन को उठा के हमने स्पेशल कोर्ट बोल दिया, एवरी कोर्ट ऑफ सेशन है स्पेशल कोर्ट, कोई भी स्पेशल कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन है उसको ये लोग
क्या कर सकते हैं, स्पेशल कोर्ट घोषित कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा चिल्ड्रंस कोर्ट है ना, ऐसा कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन है जिसको कि चिल्ड्रंस कोर्ट बनाया गया है, देन फॉर दी पर्पस ऑफ दैट एक्ट, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रंस राइट एक्ट, उस केस में अगर कोर्ट ऑफ सेशन को चिल्ड्रंस कोर्ट बना रखा है, तो इस चिल्ड्रन कोर्ट को भी हम इस पॉक्सो एक्ट के पर्पस के लिए स्पेशल कोर्ट ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पेशल कोर्ट ही बोलेंगे। अब सेक्शन नंबर 31 में ना इसके लिए एक बात बोली गई है कि यहां पे सीआरपीसी की प्रोसीजर अप्लाई होगी। इन कोर्ट्स में जो प्रोसीजर होगी वो कौन सी होगी? सेम वही जो सीआरपीसी में अप्लाई हो रखी है, सेम वही जो सीआरपीसी में आपको दे रखी है। और यहाँ पे इन्होंने क्लेरिफाई कर दिया कि स्पेशल कोर्ट मींस कोर्ट ऑफ सेशन एंड पर्सन कंडक्टिंग प्रोसिक्यूशन मींस पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो हमारे सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग कौन है? स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। अब 28 में कोर्ट दिया है एंड 32 में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर दिया। मैंने इन दोनों को सामने क्यों लिखा? क्योंकि भैया कोर्ट में ही तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपियर होते हैं ना, तो कोर्ट के लोगों को मैंने एक साथ रखा है, स्पेशल कोर्ट एंड स्पेशल पीपी। तो वर्ड स्पेशल की वजह से 28 और 32 एक साथ लिखा। 28 में स्पेशल कोर्ट, 32 में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति होगी, अपॉइंटमेंट होगी स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। इसकी एलिजिबिलिटी 7 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस है। मतलब नाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 24(8) ऑफ सीआरपीसी। 24(8) सीआरपीसी में क्या दिया है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर केस के लिए स्पेशल पीपी अपॉइंट करना है तो उसकी 10 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। लेकिन दैट इज नॉट द केस इन द केस ऑफ योर पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट में स्पेशल पीपी 32 में, सेक्शन नंबर 32 में सिर्फ और सिर्फ 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन लेकिन 24(8) ऑफ सीआरपीसी में आपको सिर्फ 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और वहां पे अपॉइंटमेंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। बराबर है ये चीज। अब चलेंगे आगे, जहां पे प्रिजम्पशंस के बारे में बताया हमको। 28 हम पढ़ चुके हैं, 28 के साथ हमने क्या पढ़ा? 31 की जब ऐसे स्पेशल कोर्ट, दैट इज हम कोर्ट ऑफ सेशन को स्पेशल कोर्ट बना रहे हैं, तो उस स्पेशल कोर्ट में वही प्रोसीजर होगी जो कि सीआरपीसी में दे रखी है। और सीआरपीसी में कौन सी प्रोसीजर? जो आपके कोर्ट ऑफ सेशन में होती है वही आपके स्पेशल कोर्ट में हो जाएगी। 32 में हमने स्पेशल पीपी पढ़ लिया। अब अति 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 महत्वपूर्ण सेक्शन, दैट इज प्रिजम्पशंस के दो सेक्शंस। पहला है सेक्शन नंबर 29, दूसरा है सेक्शन नंबर 30। 29 में बोला है प्रिजम्पशन ऑफ सर्टन ऑफेंसेस, कुछ अपराधों की हम उपधारणा करेंगे। क्या करेंगे? उपधारणा। प्रिजम्पशन को उपधारणा कहा जाता है। क्या उपधारणा रखी जाएगी बच्चों? ये उपधारणा होगी कि यदि ऐसा एलज किया गया है कि सेक्शन नंबर 3579 का कोई ऑफेंस हुआ है, देन इट शैल बी प्रिज्यूम्ड, कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि उस पर्सन ने वो ऑफेंस कमिट किया है, अबेट किया है या अटेम्प्ट किया है। अच्छा, अटेम्प्ट कहां पड़े? 16 में, सॉरी अबेटमेंट कहां पड़े? 16 में। पनिशमेंट कहां पड़े? 17 में। अटेम्प्ट कहां पड़े? 18 में। अटेम्प्ट को कहां पड़ा है हमने? 18 में पड़ा है। तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि भैया तुमने वो ऑफेंस किया ही किया है। सो बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन हुम? बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन अक्यूज्ड। बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द अक्यूज्ड कि ही हैज टू प्रूफ कि नहीं, मैंने ऑफेंस नहीं किया है। ठीक है, सो ही हैज टू प्रूफ, अनटिल एंड अनलेस वो ये प्रूफ नहीं करता है, उसको यही माना जाएगा कि यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस। और कोर्ट एक चीज की धारणा लेगा, वो ये है कल्पेबल मेंटल स्टेट। कल्पेबल मेंटल स्टेट का मतलब क्या है? इट मींस आपका इंटेंशन, मोटिव या आपको किसी फैक्ट की नॉलेज थी या नहीं थी, कोर्ट विल प्रिज्यूम कि यू हैड सच कल्पेबल मेंटल स्टेट। आपका ऐसा मानस था, आपका ऐसा मोटिव था, आपका ऐसा इंटेंशन था, आपको इस चीज की ऑलरेडी नॉलेज थी कि आप ऐसा ऑफेंस कर रहे हो और इस ऑफेंस की वजह से ये रिजल्ट होगा। यू ऑलवेज इंटेंटेड टू डू दैट, ये ऑफेंडर के लिए माना ही माना जाएगा, मतलब शैल प्रिज्यूम, ये एग्जिस्ट करती करती ही करती है, ऐसा कोर्ट मानेगा। तो दोनों में ही प्रिजम्पशन कैसी है? शैल प्रिज्यूम है। नाउ वी विल कम टू पावर एंड प्रोसीजर ऑफ स्पेशल कोर्ट, कि वो एविडेंस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, हाउ द एविडेंस हैज टू बी रिकॉर्डेड। अभी हमने क्या पढ़ा था पिछले पॉइंट में? हमने क्या पढ़ा सेक्शन नंबर 24 से 27 में? हमने बच्चों क्या पढ़ा कि स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग कैसे होगी। अब हम ये देख रहे हैं कि एविडेंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा। स्टेटमेंट और एविडेंस में फर्क है, इतना समझ आता है। ठीक है, आप कोई कथन कर रहे हो या कोई साक्ष्य दे रहे हो, दोनों में फर्क है। 33 में बोला कि हम यहाँ पे पावर भी बताएंगे और प्रोसीजर भी बताएंगे,
लेकिन स्टेटमेंट का रिकॉर्डिंग कैसे होगा, ये 34 से लेके 38 में है। और हमारे स्पेशल कोड की पावर और प्रोसीजर क्या है, ये हमने 33 में बता दिया। तो 33 ये कहता है कि स्पेशल कोड, आपके पास पावर है कि आप कॉग्निजेंस लोगे, आप क्या लोगे, आप संज्ञान ले सकते हो। लेकिन संज्ञान लोगे कब, संज्ञान दो तरीके से ले सकते हो, या तो जब आपके पास कंप्लेन रिसीव हुई है तब, या फिर जब पुलिस रिपोर्ट हुई है कि ऐसा कोई ऑफेंस हुआ है। इन दोनों आधार पे हमारा स्पेशल कोर्ट, दैट इज कोर्ट ऑफ सेशन, कैन टेक कॉग्निजेंस विदाउट अक्यूज बीइंग कमिटेड टू इट। बिना अक्यूज को हमारे कोर्ट ऑफ सेशन कमिट किए ही कोर्ट ऑफ सेशन क्या कर सकता है, कॉग्निजेंस ले सकता है, बराबर। अब जब आपके एविडेंस का रिकॉर्डिंग हो रहा है, उस वक्त काउंसिल ऑफ अक्यूज्ड, अक्यूज्ड के काउंसिल के पास एक राइट है कि वो बच्चे के सामने, दैट इज विक्टिम पर, विक्टिम के सामने कुछ क्वेश्चंस रख सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस पूछ सकते हो, पता चला ऐसा कुछ इनडिसेंट आप सवाल पूछ रहे हो, या ऐसा कुछ स्कैंडेलियस क्वेश्चन है जो आप बच्चे के सामने रख रहे हो, या बच्चे की डिग्निटी को हर्ट कर रहे हो। इसीलिए इस चीज को इंश्योर करते हुए आपको सबसे पहले कम्युनिकेट करना है स्पेशल कोड को, यू हैव टू गिव द लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस टू द स्पेशल कोड एंड लेट देम नो दैट दीज आर द क्वेश्चंस दैट विल बी पुट फॉरवर्ड टू द चाइल्ड। ये हम क्वेश्चंस है जो बच्चे से पूछना चाहते हैं ताकि बच्चा प्रिपेयर है, डरे नहीं। ओके, परमिट द ब्रेक्स फॉर द चाइल्ड। बच्चा है, डर जाएगा, आप उसको ब्रेक लेने दीजिए प्रोसीडिंग के दौरान, एविडेंस रिकॉर्डिंग के दौरान। चाइल्ड फ्रेंडली एटमोसफेयर क्रिएट करें ताकि बच्चा डरे नहीं। चाइल्ड नॉट टू बी कॉल्ड रिपीटेडली टू द कोर्ट, बार बार बुला के बच्चे को परेशान ना किया जाए, डराया नहीं जाए। कोई भी एग्रेसिव कैरेक्टर असैसिनेटिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इंडियन एविडेंस एक्ट, बराबर। चाइल्ड की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी है। फिर से पढ़ लिया, कहां पढ़ा था, सेक्शन नंबर 19 में पढ़ा था, सेक्शन नंबर 24 में पढ़ा था, और 33 में हमने वापस पढ़ लिया। 23 में आप आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, मीडिया पर ऑब्लिगेशन लगाया। 24 में हमने बोला कि पुलिस जब आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हो ना, तब बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना कीजिएगा, ठीक है, इंश्योर करें कि आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो। 33 में हमने एविडेंस रिकॉर्डिंग के वक्त बता दिया कि बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी। डायरेक्ट फॉर द पेमेंट ऑफ द कॉम्पनसेशन, विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम, और कोर्ट ऑफ सेशन के जितने भी पावर्स होते हैं वो सारे पावर्स हमारे किसके पास होने वाले हैं, स्पेशल कोर्ट के पास। अब डिस्कस करते हैं कि कॉग्निजेंस लेने का टाइम पीरियड क्या होगा, ट्रायल कैसे कंडक्ट होगी। अब बच्चे की एज डिटरमाइन करनी है उस केस में जब ऑफेंडर ही बच्चा है, जब हमारा ऑफेंडर ही बच्चा, तो वो कैसे डिसाइड होगी। एज वेल एज आपके असिस्टेंट्स की बात करें, इंटरप्रेटर की बात करें, स्पेशल एडुकेटर्स की बात करें, तो क्या प्रावधान है। सबसे अति महत्वपूर्ण सेक्शन नंबर 34 जो कहता है, अगर ऑफेंडर खुद ही चाइल्ड है, जो अपराध कर रहा है अपराधी है, वो खुद ही बच्चा है, बालक है, तो उसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अकॉर्डिंग डील किया जाएगा। कैसे डील किया जाएगा बच्चों, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अकॉर्डिंग उसको डील किया जाएगा। और उसकी एज कौन डिटरमाइन किया करेगा, हमारा ये कोर्ट ऑफ सेशन, हमारा कोर्ट ऑफ सेशन डिसाइड करेगा कि उस बच्चे की उम्र कितनी है। और अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने कुछ डिसाइड कर दिया तो कोर्ट ऑफ सेशन, सॉरी स्पेशल कोर्ट, तो हमारा उस स्पेशल कोर्ट का वो ऑर्डर इनवैलिड नहीं होगा इस ग्राउंड पे कि साहब आपने जो एज डिटरमाइन की है ना वो करेक्ट नहीं है। सो द ऑर्डर ऑफ द एज गिवन बाय योर स्पेशल कोर्ट शैल नॉट बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड दैट द एज डिटरमिनेशन वॉज इनकरेक्ट। इस ग्राउंड पे एज का डिटर्मिनेशन है वो चैलेंज नहीं किया जाएगा, या उसको जुटलाया नहीं जाएगा, या ऑर्डर को निरस्त नहीं किया जाएगा। क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड, पीरियड मींस यहां पे लिमिटेशन, दिस इज लिमिटेशन। लिमिटेशन हमेशा आपके सीआरपीसी या लिमिटेशन एक्ट में ही नहीं दे रखी है, लिमिटेशन आपको स्पेशल लॉज में भी दे रखा है। यहां पे बोला रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस का क्या लिमिटेशन है, इन्होंने बोल दिया 30 दिन, और ट्रायल कंप्लीशन का हमारे पास लिमिटेशन कितना है बच्चों, 1 ईयर दे रखा है। यहां पर अगर हम प्रीवियस स्टेट जुडिशरीज का पेपर देखें तो यहां पे काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और इधर बच्चे 30 डेज और 1 ईयर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिंपल थोड़ा सा लॉजिक लगा लेते हैं बच्चों, एविडेंस लेने में कितना टाइम लगता है, 1 साल थोड़ी लगता है। यूं एविडेंस ले लिया जाता है तो एविडेंस में ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन ट्रायल लंबे चौड़े होते हैं क्योंकि ट्रायल में बहुत सारी चीजें हैं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है आपको, आपको एविडेंसेस लेने हैं, आपको एग्जामिनेशन करना है, जजमेंट होता है, अपील होता है, बहुत सारी चीजें हैं आपकी पूरे ट्रायल के दौरान।
तो ट्रायल में ज्यादा समय लगता है, मतलब ट्रायल में 1 ईयर, बट रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस में जस्ट 30 ईयर्स, 30 डेज, नॉट 30 ईयर्स, 30 डेज. ओके, एंड कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग ऑफ द कॉग्निजेंस, जिस दिन संज्ञान लिया गया है उसके 30 दिन के भीतर भीतर आप साक्ष्य का रिकॉर्डिंग खत्म करें, एविडेंस रिकॉर्डिंग फिनिश कीजिए, और संज्ञान लेने के 1 साल के अंदर अंदर ट्रायल को कंप्लीट कीजिए. ठीक है, क्लियर. 36 में बोला है चाइल्ड अक्यूज को नहीं देखेगा. ये हमें 24 में भी पढ़ने को मिला, 25 में भी पढ़ने को मिला, और 36 में भी पढ़ने को मिला. बराबर, कब? एट द टाइम ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस. ठीक है, 37 में क्या बोला, ट्रायल टू बी कंडक्टेड इन कैमरा. अब कैमरा ट्रायल क्या होता है? वहां सच में कैमरा नहीं होता है. इट मींस दैट वेयर द जनरल पब्लिक इज रेस्ट्रिक्टेड, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन चलेगा, वो आपको या तो उस वक्त कोर्ट से बाहर निकाल सकते हैं, आपको अलाउ कर सकते हैं, या फिर जब इस सेक्शन ने ये स्पेसिफिकली बोल दिया है कि इस एक्ट की ट्रायल तो कैमरा में ही होगी, मतलब जज साहब भी कभी किसी पब्लिक को या जनरल पब्लिक को या मीडिया को अलाउ नहीं करेंगे उस ट्रायल को विटनेस करने के लिए. इट विल बी इन अ क्लोज रूम विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर पर्सन. अब कैमरा ट्रायल की जब मैं बात करूं तो हमारे पास सीआरपीसी के कुछ सेक्शंस हैं, जैसे 237 है हमारे पास, 327 है जो कि ओपन कोर्ट के बारे में बताता है, 199 का पार्ट 2 आपको क्या कहता है, का पॉइंट 2 आपको क्या कहता है, ये कहता है कि अगर हमारे कुछ ऐसे वीआईपी डेफिमेशंस वगैरह हुए हैं तो उनसे रिलेटेड हमारी ट्रायल हमेशा क्या होगी, कैमरा में होगी. सेक्शन नंबर 38 क्या कहता है, असिस्टेंस ऑफ इंटरप्रेटर या एक्सपर्ट. 26 में पढ़ के आए थे, 26 में पढ़ के आए थे, सेक्शन नंबर 19 में भी हमने इसके बारे में पढ़ा है कि अगर बच्चे को ऐसे इंटरप्रेटर या एक्सपर्ट की जरूरत है तो वो उसकी असिस्टेंस ले सकता है, नॉट जस्ट दैट बच्चा बट हमारा कोर्ट भी ले सकता है, ताकि ट्रायल को इजीली और स्मूथली कंडक्ट किया जा सके. क्लियर. नाउ फाइनली वी आर ऑन द मिसलेनियस पार्ट, जहां पे सेक्शन नंबर 39 से लेके 46 क्या कहता है. अब यहां पे कुछ वन वन लाइनर्स में आपको याद रखना है कि 39 से 46 में कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कौन सा आपको छोड़ सकते हैं. छोड़ने वाली कोई चीज ही नहीं है, सिर्फ वन वन लाइनर्स में हम इसको डिस्कस करेंगे. 39 में बोल दिया गाइडलाइंस देगा, कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट देगा, किस लिए देगा, चाइल्ड टू टेक असिस्टेंस ऑफ द एक्सपर्ट. ये यहां पढ़ के आए 38 में कि असिस्टेंस दिया जाएगा, लेकिन बच्चे के लिए गाइडलाइंस जारी करेगा आपका स्टेट गवर्नमेंट, जो कि ये बताएगा कि कब कैसे कौन हमारे बच्चे को गाइड करेगा, ताकि वो लीगल असिस्टेंस ले सके अपने केस को सॉर्ट आउट करने में. और 40 में इसी चीज को राइट बनाया, नॉट इसी चीज को, यहां पे लीगल प्रैक्टिशनर के असिस्टेंस के लिए बोला है, यहां पे गाइडलाइंस एक्सपर्ट के असिस्टेंस के लिए दी गई है. 39 में गाइडलाइंस एक्सपर्ट के असिस्टेंस के लिए दी है, और 40 में आपके असिस्टेंस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर को राइट बना दिया गया है चाइल्ड का. वी हैव सीन इन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो, वी हैव सीन इन सीआरपीसी आल्सो, राइट टू लीगल एड, राइट टू फ्री लीगल एड. तो वैसे के वैसे यहां पे चाइल्ड को एक राइट दे दिया गया है. 41 अति महत्वपूर्ण सेक्शन, जो कि यह कहता है कि सेक्शन 3 से लेके 13 तक कहां अप्लाई नहीं होंगे, उस जगह अप्लाई नहीं होंगे जब मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है कंसेंट गार्डियन की कंसेंट से. मतलब क्या है, सुनो, मतलब हमने सेक्शन नंबर 27 में मेडिकल एग्जामिनेशन की बात की, मैं इसी सेक्शन की बात कर रही थी. 27 में जब मैंने मेडिकल एग्जामिनेशन की बात की, तो मेडिकल एग्जामिनेशन कब हो रहा है बच्चों? मेडिकल एग्जामिनेशन तो तब हो रहा है ना जब सेक्शन नंबर 3 में, 5 में, 7 में, 9 में, आपके सेक्शन नंबर 12 में, सेक्शन नंबर 13 में कोई भी बच्चे के अगेंस्ट ऑफेंस हो रहा है. बाकी सारे सेक्शन पनिशमेंट के, ओके. तो इन्हीं सारे सेक्शन में बच्चे के अगेंस्ट ऑफेंस हो रहा है, और इन्हीं सारे ऑफेंसेस के वजह से ही तो बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं. अब बच्चे को लेके गए हॉस्पिटल, और वहां पे जब बच्चे के गार्डियन की परमिशन से, उसके कंसेंट से जब बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है, तो जो पर्सन उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहा है उस पे आप ये 3 से लेके 13 का सेक्शन नहीं लगा सकते, और ये नहीं कर सकते कि तुमने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल अब्यूज किया है, या तुमने एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल अब्यूज किया है, या सेक्सुअल असॉल्ट किया है, या एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया है, या पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए बच्चे को यूज किया, नहीं. बिकॉज दे आर डॉक्टर्स, वो मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे, और मेडिकल एग्जामिनेशन करते हुए जो भी प्रोसीजर हो रहा है, कुछ भी इंसर्शन हो रहा है, पेनिट्रेशन हो रहा है,
और ये मेडिकल एग्जामिनेशन गार्डियंस की कंसेंट से हो रहा है, तो जो मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहा है या मेडिकल एग्जामिनेशन के वक्त जो प्रोसीजर हो रहा है, वहां आप ये नहीं कह सकते सेक्शन नंबर 3 से लेकर 13 का ऑफेंस हुआ है। नो, वहां इंटेंशन ऑफेंस करने का नहीं है उस व्यक्ति का, वो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहा है। इसीलिए तो कहते हैं कि जब फीमेल का भी अगर मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है फॉर द पर्पस ऑफ हर ट्रीटमेंट और द किसी रेप विक्टिम का हो रहा है, तो जब परमिशन मिल चुकी है कोर्ट की या उस पर्सन की, विक्टिम की, या अगर विक्टिम माइनर है तो उसके गार्डियंस की, तो जो एग्जामिनेशन कर रहा है उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन। 42 ने बोला भैया ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट। क्या है ये ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट? अगर ऑफेंस आपके आईपीसी के इन सेक्शंस में हो रहा है, दैट इज 166A में, 354A से लेके डी में, 370, 370A, 375, 376, 376A, C, D, E या 509 ऑफ आईपीसी में भी ऑफेंस हुआ है और इस एक्ट में भी कोई ऑफेंस हो रहा है, तो हम पनिशमेंट कौन सी देंगे? पनिशमेंट वो देंगे जो दोनों में से ग्रेटर है, या तो आईपीसी में ग्रेटर है तो वो दे देंगे, या फिर इस एक्ट में ग्रेटर है तो फिर वो पनिशमेंट दे दी जाएगी। ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट देनी है हमको, बराबर? क्लियर? नाउ लास्ट 5 सेक्शंस दैट वी हैव इज 42A। ये कहता है पॉक्सो एक्ट इज नॉट इन डेरोगेशन विद अदर लॉज। अदर लॉज, चाहे वो आईपीसी हो गया है या आपका चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया है, कोई भी एक्ट हो गया, उसके डेरोगेटरी नहीं है, उसके कॉन्ट्ररी नहीं है। एंड 43 ये कहता है कि मैम ये एक्ट जब हमने बनाया है तो इस एक्ट का पब्लिक अवेयरनेस भी तो करना चाहिए ना। अगर बच्चों को नहीं पता चलेगा, हमारे गली मोहल्ले के लोगों को नहीं पता है, पब्लिक एट लार्ज को पता ही नहीं है कि पॉक्सो जैसा कोई एक्ट है, और पॉक्सो के एक्ट के अंदर ऐसी कोई ऑफेंसेस की लिस्ट दे रखी है, या ऐसा कुछ एक्ट बच्चे के अगेंस्ट होता है तो वो एक ऑफेंस है, या फिर हमारे पास राइट है बच्चे के अगेंस्ट ऐसा कुछ ऑफेंस हुआ तो हम कंप्लेन कर सकते हैं, अगर इसका पब्लिक अवेयरनेस नहीं है तो इस एक्ट का इंप्लीमेंटेशन इफेक्टिवली कैसे होगा? क्लियर? ठीक, तो इसकी पब्लिक अवेयरनेस की जिम्मेदारी किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों की है। तो ये पब्लिक अवेयरनेस करेंगे कैसे? इन्होंने बोला मीडिया के थ्रू करेंगे, जिसमें टीवी, रेडियो, प्रिंट मीडिया सब कुछ इंक्लूड होता है। क्या है? सब कुछ इंक्लूड होता है। फिर और क्या हो सकता है? पीरियोडिकली ट्रेनिंग कर सकते हैं वो अपने ऑफिसर्स वगैरह की, कि किस किस तरीके से आप अगर पब्लिक सर्वेंट्स हैं तो आपको कब कहाँ कोई बच्चा दिखे तो आपको उसे कैसे हेल्प आउट करना है, कैसे आप उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं, कैसे बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, 44 में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट, ये तो हो गया पब्लिक अवेयरनेस। इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कौन करेगा कि ये एक्ट अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ है, ये कौन सुनिश्चित करेगा? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एंड स्टेट कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट, इन दोनों की जिम्मेदारी है। 44 और 45 एंड 46 में बोला है पावर टू मेक रूल्स एंड 46 में टू रिमूव डिफिकल्टी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो जरा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जितना भी रोल रहता है ना, वो जरूर ध्यान रखें। एक बार मिसलेनियस को अच्छे से वापस से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यहां पे कम से कम 8 सेक्शंस आपके पास हैं, तो ये मैं नहीं चाहती कि आप जो है भूल जाएं। 39 में बोला कि गाइडलाइंस दी है हमने, किस चीज के गाइडलाइंस के लिए? कि बच्चा अगर चाहे तो असिस्टेंस ले सकता है एक्सपर्ट की। 40 में हमने बोला कि बच्चे का राइट है कि वो लीगल प्रैक्टिशनर की असिस्टेंस लेगा। 40 में हमने बोला कि सेक्शन नंबर 3 से लेके 13 में अगर कोई भी, अगर किसी भी तरीके का ऑफेंस हुआ है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन करते हुए उस पर्सन पे 3-13 का ऑफेंस नहीं बनेगा। 42 में हमने बोला ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट, आईपीसी में भी ऑफेंस हुआ, इधर भी ऑफेंस हुआ, जिधर ग्रेटर पनिशमेंट दे रखी है आप उधर जा सकते हो। उसके बाद हमने 42A में क्या पढ़ा है? 42A में हमने ये पढ़ा कि जो आपका पॉक्सो है वो अदर लॉस के डेरोगेशन में नहीं होने वाला है। 43 में हमने बोला कि इसका पब्लिक अवेयरनेस कौन करेगा? हमारा या तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, या तो नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की जिम्मेदारी है। मीडिया के थ्रू कर सकते हैं या पब्लिक ट्रेनिंग के थ्रू कर सकते हैं, पीरियोडिक ट्रेनिंग के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद हमने 44 में ये बोला कि इस एक्ट का इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा? नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट या फिर स्टेट कमीशन करेगा। 46 में हमने बोला कि यहाँ पे रूल मेकिंग पावर किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। एंड 46 में हमने बोला है, 45 में रूल मेकिंग पावर एंड 46 में हमने बोला कि अगर डिफिकल्टी रिमूव करनी है तो किसका पावर? ये है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर। सो आई होप हमने एक अच्छे पेस में इस पॉक्सो एक्ट को फिनिश किया है और आपको मजा आया है इस एक्ट को पढ़ने में। अब हम चलेंगे फटाफट से अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज द पुलिस इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटी।
इसमें से कौन सी ड्यूटी है पुलिस की? अरेंज द सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड और टेक द मैटर टू चाइल्ड वेलफेयर कमिटी विद इन 24 आवर्स ऑफ द रिपोर्ट. इज इट वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू? अब ये देखो, ये मामला किसका है? रिपोर्टिंग के बाद का है, आफ्टर रिपोर्टिंग का है. ये ड्यूटी किसकी बनती है? स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट की या लोकल पुलिस की ड्यूटी बनती है कि अगर चाइल्ड सीसीपी है तो आप उसको शेल्टर होम में भिजवाएं या फिर नियरेस्ट हॉस्पिटल में भिजवाएं. कितने टाइम में? 24 आवर्स में. और 24 आवर्स में ही आपको क्या करना है? 24 आवर्स में ही आपको नॉट पुलिस बट योर यस आपके कोर्ट ऑफ सेशन, दैट इज कोर्ट ऑफ सेशन को इन्फॉर्म करना है कि ऐसा कुछ मैटर है. बेसिकली आपको कोर्ट ऑफ सेशन को नहीं करना है, आपको करना है चाइल्ड वेलफेयर कमिटी को, और साथ ही साथ आपको बताना है किसको? स्पेशल कोर्ट को. और अगर स्पेशल कोर्ट नहीं है, उसके एब्सेंस में आप कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाएंगे. सो राइट आंसर विल बी बोथ वन एंड टू. ओके, नेक्स्ट. हु ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू पॉक्सो एक्ट? इधर पॉक्सो एक्ट में से कौन सा सेक्शन जो है, कौन सा पॉइंट जो है वो करेक्ट है? चाइल्ड विक्टिम शैल बी फीमेल एंड अक्यूज शैल बी मेल, चाइल्ड विक्टिम शैल बी मेल एंड अक्यूज पर्सन शैल बी फीमेल, चाइल्ड विक्टिम एंड अक्यूज पर्सन शैल बी इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड नन ऑफ द अबव. पॉक्सो एक्ट में हमेशा ध्यान रहे जो चाइल्ड विक्टिम है और अक्यूज, वो दोनों ही फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है. चाइल्ड हमारा मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. अगर मैं बात करूं अक्यूज्ड की तो वो भी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. सो राइट आंसर इज सी, इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर. ओके, सेक्शन नंबर 3. इस ऐसे ही अगर आप देखोगे सेक्शन नंबर 376 है ना बच्चों, सेक्शन नंबर 376 ऑफ आईपीसी अगर हम देखें, है ना, 375 में आपका रेप डिफाइंड है. अगर हम इसको देखेंगे तो बच्चों आपको रियलाइज होगा कि वो जनरल बायस है, जेंडर बायस, जहां पे अक्यूज हमेशा मेल ही होगा एंड विक्टिम हमेशा फीमेल ही होगी. सो आई होप दैट इंडिया में कभी जेंडर बायस लॉज भी आ जाएंगे रेप को लेकर भी, बट कुछ चीजों को देखते हुए अभी भी इसको जेंडर बायस्ड ही बनाया गया, जेंडर न्यूट्रल नहीं बनाया गया. अ पर्सन हु हैज नॉलेज दैट एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन टू ऑथराइज्ड पर्सन अंडर पॉक्सो एक्ट देन ही शैल इनकर. भैया आपको पता चला ऐसा ऑफेंस हुआ है, आपने जाके इंफॉर्मेशन दे दी, आपके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी होगी क्या? और अगर होगी तो सिविल होगी, क्रिमिनल होगी, दोनों ही होगी या बिल्कुल नहीं होगी? बच्चों ये सेक्शन नंबर 19 से आया है. अगर आपको पता था या पता चल गया और आपने इंफॉर्मेशन दे दी तो कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी, साफ साफ आपके सेक्शन नंबर 19 में लिखा है, लास्ट पैराग्राफ. क्लियर? स्पेशल कोर्ट शैल कंप्लीट द ट्रायल ऑफ पॉक्सो एक्ट विद इन हाउ मच टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस. हमने ये कहां पढ़ा? We read it under section number 36. चलो पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद हम उस पे वापस जाएंगे. Is it 3 months, 6 months or 1 year? It is 1 year. हमारे यहाँ ट्रायल की बात हो रही है. मैंने बोला कि ट्रायल में हमें ज्यादा टाइम लगता है, दैट मीन्स ट्रायल में हमें 1 year लगता है. एंड when it comes to रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, तो वो कितने दिन में होना चाहिए बच्चों? वो होना चाहिए 30 days में. Should we go back to our section? यस, सेक्शन नंबर 35. क्लियर? यस. विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट इज डेजिग्नेटेड टू बी अ स्पेशल कोर्ट अंडर पॉक्सो एक्ट? कौन सा कोर्ट है जिसको कि हम स्पेशल कोर्ट बना बैठे हैं और कहां दे रखा है? सेक्शन नंबर 28 जिसको हमने पढ़ा था 32 के साथ. ये कौन है? ये स्पेशल कोर्ट है. ये कौन है? स्पेशल पीपी, पीपी साहब है. स्पेशल कोर्ट कौन सा है? कोर्ट ऑफ सेशन. और इसको बनाता कौन है? स्टेट गवर्नमेंट. एस्टैब्लिश कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट. कहां पे? हर डिस्ट्रिक्ट में. किसकी कंसल्टेशन? इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ दैट कंसर्न्ड हाई कोर्ट. ओके, अच्छा यहां पे स्पेशल पीपी को कितना? 7 years ऑफ एक्सपीरियंस. यस, अंडर पॉक्सो डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट इज डन बाय, जस्ट हमने आगे पहले सॉल्व कर लिया है, दैट इज स्टेट गवर्नमेंट, हाई कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ. तो यहां पे स्पेशल कोर्ट को स्टैब्लिश या उसका डिजिग्नेशन कौन करता है? इट इज ऑलवेज बाय स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. हु इज अंडर द ड्यूटी टू मॉनिटर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ पॉक्सो एक्ट? किसकी ड्यूटी है इंप्लीमेंटेशन देखने की? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड. कहां पढ़ा था? सेक्शन नंबर 44 में पढ़ा है हमने.
46 में रूल मेक, 45 में रूल मेकिंग पावर, 46 में रिमूविंग डिफिकल्टी पावर. सो नेशनल कमीशन एंड स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट दोनों की बनती है. ये रहा आपका वो सेक्शन, यस 44, मॉनिटरिंग द इंप्लीमेंटेशन. ओके नेक्स्ट, हु कैन बी अपॉइंटेड एज स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर सेक्शन 32 टू डील विद द केसेस ऑफ पॉक्सो अंडर पॉक्सो एक्ट 2012. ऐसा प्रैक्टिसिंग एडवोकेट जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, 7 साल का है, 5 साल का है, या फिर जो हाई कोर्ट का जज रह चुका है 5 साल के लिए. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अंडर सेक्शन नंबर 32 दैट द पर्सन शुड होल्ड एन एक्सपीरियंस ऑफ 7 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस. तो वो क्या होगा, आपका स्पेशल पीपी बनने योग्य है. अच्छा एक बात बताओ, सेक्शन 24 ऑफ सीआरपीसी में, सेक्शन 24 और सीआरपीसी सबसेक्शन 8 में आपको क्या दे रखा है, आपको ये बोला कि अगर आपको स्पेशल पीपी चाहिए 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए. ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अंडर पॉक्सो एक्ट इन रिलेशन टू प्रोविजन फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड शैल बी रिकॉर्डेड बाय. कौन रिकॉर्ड करेगा इनको, पहले तो ये बताओ रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट के बारे में हमको दे कहां से कहां तक रखा है. इट इज गिवन फ्रॉम सेक्शन नंबर 24 to 27. रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट की बात कर रही हूं मैं, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट की बात कर रही हूं. अगर मैं स्पेशल कोर्ट के पावर, प्रोसीजर एंड रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट की बात करूं तो आप मेरे सामने रखोगे सेक्शन नंबर 33 से लेके 38 तक, बराबर. पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, वुमेन पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर और वुमेन पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर कौन से सेक्शन से आया है, पहले याद करके बताओ अच्छे से. इट इज फ्रॉम योर सेक्शन नंबर 24 जहां मैंने चार्ट में लिखा था मैनर. किसके सामने लिखा था, 25 के सामने लिखा था, जहां मैंने लिखा कि अगर मजिस्ट्रेट साहब स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उनका उनका प्रोसीजर क्या रहने वाला है. So right answer is D, that is women police officer not below the rank of SI. According to POCSO Act, sexual assault includes, sexual assault कहाँ पढ़ के आए हम, sexual assault section number 7 में पढ़ा, punishment 8 में पढ़ा, 8 में aggravated sexual assault पढ़ा है, 10 में उसकी punishment पढ़ी, 11 में हमने sexual harassment पढ़ा और 12 में sexual harassment की punishment पढ़ी है, ठीक है. Enticing a child for pornographic purpose and give gratification. Touching or making the child to touch the vagina, penis, anus or breast with sexual intent. Showing any object to the child in form of media. Repeatedly or constantly follows or watches the child either directly or through electronic means with sexual intent. हमने क्या बोला? Sexual assault बोला है. Sexual harassment नहीं बोला है. यहाँ पे आपको काफी सारे एलिमेंट सेक्सुअल हैरेसमेंट के भी दिखेंगे. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज. सेक्शन नंबर 7 में सिंपल सी ये लाइन दे रखी है आपको, दैट इज सेक्सुअल इंटेंट. सेक्सुअल इंटेंट के साथ टचिंग. ओके, द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड अंडर पॉक्सो शैल नॉट बी रिकॉर्डेड एट, कहां रिकॉर्ड नहीं होगा. प्लेस वेयर द चाइल्ड यूजुअली रिसाइड्स, प्लेस वेयर द चाइल्ड्स चॉइस है वहां, रेजिडेंस ऑफ द चाइल्ड, इन तीनों जगह रिकॉर्ड हो सकता है लेकिन कहां नहीं हो सकता. नेगेटिव में पूछा है, एनी प्लेस नियर द लोकल पुलिस स्टेशन, यहां पे कोई भी बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं होगा एज पर विच सेक्शन, एज पर सेक्शन नंबर 24. क्लियर. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस इज नॉट पनिशेबल अंडर पॉक्सो. सेक्सुअल हैरेसमेंट पनिशेबल है, हां जी है ना मैम, 11 में डिफाइंड है, 12 में पनिशमेंट है. सेक्सुअल असॉल्ट है, हाँ जी 7 में डिफाइंड है, 8 में पनिश्ड है, 9 में एग्रीवेटेड दे रखा है और 10 में एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट है. चाइल्ड पीटीसाइड ही तो है जो यहाँ पनिशेबल नहीं है. अच्छा साथ ही साथ कुछ चीजें और रिवाइज कर लेते हैं. सेक्शन नंबर 13 में क्या दिया, पोर्नोग्राफिक पर्पज के लिए चाइल्ड को यूज किया तो 14 में इसकी पनिशमेंट दे रखी है, 15 में बोला अगर स्टोरेज किया ऐसी की चीज का तो पनिशमेंट मिलेगी, 16 में हमने बोला अबेटमेंट, 17 में हमने अबेटमेंट की पनिशमेंट बताई, 18 में हमने क्या बोला अगर अटेम्प्ट किया ऑफेंस का तो क्या, 19 में हमने क्या बोला कि आपकी प्रोसीजर क्या रहेगी केस को रिपोर्ट करने की, 20 में हमने क्या बोला मीडिया के ऊपर ऑब्लिगेशन है और उसी वक्त हमने 23 में
मीडिया के लिए पनिशमेंट बता दिया कि मीडिया आपका प्रोसीजर क्या रहने वाला है, और अगर आपने आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया तो आपका पनिशमेंट 6 months रहने वाला है, मैक्सिमम 1 year एंड फाइन रह सकता है. ओके, 21 में हमने ये बोला कि अगर आपने फेलियर कर दिया या तो रिपोर्ट को रिकॉर्ड करने में या फिर केस को रिपोर्ट करने में या फिर केस को रिकॉर्ड करने में. 22 में हमने बोला कि अगर आपने फॉल्स कंप्लेन दिया तो क्या. एंड 23 हम यहां कर चुके हैं, बाकी 24 से हमने एविडेंस रिकॉर्डिंग की सारी बातें कर ली है. ठीक है, सो आई होप ये एक प्यारा सा अच्छा सा पॉक्सो एक्ट हमने बहुत ही कम समय में फिनिश करने की कोशिश की है. हालांकि अगर इसकी डायरेक्ट रीडिंग को अच्छे से किया जाए तो लगभग लगभग ये 3 घंटे से ज्यादा का ऊपर समय ले लेता है, लेकिन प्रिलिमिनरी पॉइंट से रैपिड रिविजन को आई थिंक हम इतने टाइम में कर चुके हैं. एंड दिस इज दिस टाइम टू पॉक्सो एक्ट इज कंप्लीटली जस्टिफाइड. सो ये एक्ट कैसा लगा है आपको एंड ये तरीका पढ़ने का और पढ़ाने का कैसा लगा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. योर फीडबैक इज वेरी नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस. एंड व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर दैट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम लॉ वाला, क्या क्या चीजें हैं जो आप चाहते हैं लॉ वाला हम सारे स्टूडेंट्स के लिए करें. एंड अपना UPBCSJEE पे फोकस बनाए रखें. इन केस यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन प्रिपरेशन, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड अब मिलेंगे हम अगले सेशन में. सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस सेशन. नाउ वी विल मीट इन अनदर न्यू सेशन. टिल देन थैंक यू सो मच.